देखो आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम की पहली कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम हैशिंग। देखो हैशिंग से पहले डेटा सर्चिंग के डेटा स्टोरिंग करने के बहुत सारी टेक्निक थी, लेकिन हैशिंग की ज़रूरत मतलब हैशिंग को क्यों यूज़ किया, क्योंकि हैशिंग में हम कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए कॉन्स्टेंट अमाउंट कॉन्स्टेंट टाइम लगता है। देखो यहाँ पे तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है हैशिंग के अंदर ओ ऑफ वन। वन का मतलब क्या रहता है, कॉन्स्टेंट टाइम। हम एक कॉन्स्टेंट टाइम में कोई भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम सर्च भी कर सकते हैं कि वो डेटा कहाँ पर रखे। लेकिन इसके पहले कौन सी सर्चिंग एल्गोरिदम थे अपने पास, कौन सी टेक्निक थी। देखो इसके पहले हमने देखा है लीनियर सर्च, उसी का नाम दूसरा क्या है, सिक्वेंशियल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च मतलब सिक्वेंशियली हम क्या करते हैं, डेटा सर्च करते हैं। एक एग्जांपल लेते, सपोज इसमें अरे की कंसेप्ट रहती है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिया हमने एग्जांपल। अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे 78 लिया मैंने, यहाँ पे 15, यहाँ पे 9, यहाँ पे 92, यहाँ पे सपोज लिया हमने 5, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 18 लिया। ऐसा कौन सा भी एक हमने रैंडम डेटा लिया है। अभी इस अपने को एक कोई भी एक एलिमेंट सर्च करना है, तो लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी हो सकती है। सपोज अपने को 78 एलिमेंट सर्च करना है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो पहले पोजीशन पे ही मिलेगा अपने को। देखो यहाँ पे पहले पोजीशन पे ही मिल रहा है वो 78 एलिमेंट, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ 1। लेकिन अब अगर अपने को यहाँ पे 18 एलिमेंट सर्च करना है, इस अरे के अंदर अपने को 18 एलिमेंट सर्च करना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से होंगे, यहाँ पे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होंगे। पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे ये 18 है क्या नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पे सिक्वेंशियल देखो आगे जाएंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे सेकंड थर्ड, तो ऐसे हम क्या करेंगे एक एक एलिमेंट से सर्च करेंगे, हम कंपेयर करेंगे उसको 18 को। एंड इसका मतलब यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, यहाँ पे जितनी इसकी लेंथ रहेगी, इस अरे की लेंथ कितनी अभी देखो यहाँ पे 0 to 6, मतलब इस अरे की लेंथ कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कितना टाइम लगेगा आपने को यहाँ पे 18 को सर्च करने के लिए, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इस लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, बिग ओ ऑफ एन, इतना टाइम लगता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है यहाँ पे, कि इतना मैक्सिमम टाइम लग सकता है कि कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए। उसके बाद देखो और एक हमने सर्चिंग एल्गोरिदम कौन सा देखा था, ऐसे बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम है, तो हमें और एक एल्गोरिदम लेते हैं। सपोज बाइनरी सर्च एल्गोरिदम देखते हैं, बाइनरी सर्च। देखो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में एक जो डेटा रहता है डेटा, वो डेटा ऐसे अनसॉर्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए। बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन क्या रहती है, जो भी डेटा रहता है वो क्या चाहिए अपने को, असेंडिंग फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो पहले अपने को जो भी डेटा लेंगे हम, पहले उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे हम, जो क्या 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिया हमने इंडेक्सिंग। अभी डेटा असेंडिंग फॉर्म से लेना है, सपोज यहाँ पे हमने लिया 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे लिया सपोज 11, यहाँ पे लिया 15, यहाँ पे लिया 18, 21, यहाँ पे लिया 78, कुछ भी लिया ऐसे डेटा। अभी इस समझ में आना, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में पहली कंडीशन क्या रहती है, जो भी डेटा रहता है वो क्या चाहिए अपने को, असेंडिंग फॉर्म में चाहिए। अभी यहाँ पे अपने को एलिमेंट सर्च करना है, तो इसकी प्रोसेस कैसे रहती है। देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स है उसको क्या कहते हैं हम, लो कहते हैं। जो लास्ट इंडेक्स है उसको क्या कहते हैं हम, हाई कहते हैं। अभी कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, सपोज अपने को यहाँ पे 21 एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है 21 एलिमेंट देखना है कहाँ पे, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बाइनरी सर्च में, पहले इसका मिड फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मिड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन 2। तो ऐसे मिड फाइंड आउट करेंगे हम, तो लो इंडेक्स कौन सी है यहाँ पे, 0 है, प्लस हाई इंडेक्स कौन सी है, 6 है, तो 0 + 6 / 2, तो इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो ये मिड पोजिशन हो गई, तो पहले 21 को इस मिड इंडेक्स है, मिड इंडेक्स क्या मिला अपने को, 3 मिला, तो इस थर्ड इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, 21 इज इक्वल टू 15 है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 21 क्या है, 15 से बड़ा है, तो हमें राइट सब लिस्ट सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे ये राइट सब लिस्ट सर्च करेंगे हम, फिर से यहाँ पे ये लो हो जाएगा, ये मिड हाई हो जाएगा, फिर से हम उसका मिड फाइंड आउट करेंगे, तो हम ऐसे हम इसको हम सर्च करते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, देखो बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसकी ओ ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ लॉग एन रहती है।
ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, देखो डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे कितने भी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, हम उसको क्या कहते हैं इसमें पहले हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते, फिर से उसमें हाफ पार्ट्स, हाफ पार्ट्स। तो इसको एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। लीनियर सर्च में सपोज डेटा यहाँ पे 100 एलिमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे ओ ऑफ 100 मतलब 100 कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे अपने को। तो इसमें क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए। बाइनरी सर्च में देखो यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगता है, सपोज 100 एलिमेंट है अपने पास, तो पहले ही हम क्या करेंगे उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले मिड फाइंड आउट करेंगे, हम मिड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मिड से एलिमेंट बड़ा है तो राइट सब लिस्ट सर्च करेंगे हम, एंड अगर अपना एलिमेंट मिड से स्मॉल है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट सब लिस्ट सर्च करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे हाफ सब लिस्ट, मतलब यहाँ पे स्किप हो जाती है ना। तो ऐसे क्या होता है इसमें बाइनरी सर्च में एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। अगर डेटा ज़्यादा बड़ा है तो टाइम तो लगेगा यहाँ पे ओ आप। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, देखो ओ आप लॉग इन एंड, अभी देखो यही सपोज ये थोड़ा सा ड्रॉबैक ही हो गया ना, तो इसको इतना टाइम लगता है कि सर्चिंग के करने के लिए। तो यही ड्रॉबैक ओवरकम किया है कहाँ पे, हैशिंग में किया है। देखो ओवरकम हैशिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, ओ आप वन, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइम में हम कोई भी डेटा क्या कर सकते, सर्च कर सकते। वो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कैसे रहता है कंसेप्ट। आए समझ में हमें हैशिंग की, हैशिंग मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले के डेटा स्ट्रक्चर थे तो यहाँ पे क्या रहता था, तो उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे वो ड्रॉबैक थोड़ा सा क्या किया हमने, ओवरकम किया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट हो गई है। ठीक है, हम कोई भी एलिमेंट जल्दी हम इसमें सर्च कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ द टाइम में हम सर्च कर सकते। तो देखो यहाँ पे हैशिंग में क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं, देखो पहले हैशिंग में पहली कंसेप्ट रहती है देखो हैश टेबल। देखो हैश टेबल मतलब क्या रहता है, हैश टेबल इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द एलिमेंट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसके बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द आइटम्स। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं हैश टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर। जैसे देखो यहाँ पे अपने पास अरे डेटा स्ट्रक्चर और कौन से थे इसके पहले, अरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने इसके पहले देखा अरे के अंदर डेटा क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही हैश टेबल है। देखो यहाँ पे और एक डेटा स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ट्री का डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, ग्राफ का रहेगा, वैसे ही एक क्या है हैश टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट क्या रहते, इट इज अ कंसेप्ट लाइक अरे, ये अरे जैसे ही कंसेप्ट रहते हैं। देखो यहाँ पे सब अभी एक हैश टेबल में बनाता हूँ, यहाँ पे देखो हैश टेबल अरे हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं, वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। सपोज मैंने अभी यहाँ पे वर्टिकली दिखाता हूँ इसको, देखो ये अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका जीरो से ही स्टार्ट होगा, 0 1 2 ठीक है समथिंग ऐसे कुछ तो डेटा लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। देखो इसका ये क्या हुआ, एक हैश टेबल हुआ, देखो ठीक है ना, ये क्या है अपना हैश टेबल है। अभी इस हैश टेबल की साइज कितनी ली हमने, देखो यहाँ पे 0 to 9 इंडेक्स है, इसका मतलब हैश टेबल की साइज कितनी होगी, साइज ऑफ द हैश टेबल इज डिनोटेड बाय m, m इज इक्वल टू साइज ऑफ हैश टेबल, हैश टेबल। तो अभी इस साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है, 10 है, देखो 10 एलिमेंट्स है। एंड यहाँ पे ये जो स्लॉट रहता है, देखो यहाँ पे इसे ये जो स्लॉट रहता है, इसी स्लॉट को क्या कहते हैं हम, बकेट कहते हैं। देखो बकेट, ठीक है बकेट मतलब क्या है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी बकेट है, देखो यहाँ पे 10 बकेट्स है, साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है, 10 है, तो बकेट्स भी कितने हो गए, 10 बकेट्स हो गए। बकेट्स का मतलब क्या रहता है, उसके अंदर डेटा, उसके अंदर हम ये आइटम्स क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। आए समझ में हैश टेबल क्या रहता है, ये सेम अरे टाइप कंसेप्ट है, इसलिए इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से हुआ। अभी सबसे हम कीज लेते हैं, कीज का मतलब क्या रहता है, एलिमेंट्स, ठीक है कीज का मतलब एलिमेंट्स आइटम्स कह सकते हैं हम। सब यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे है, 12 यहाँ पे 75 यहाँ पे 97 लिया हमने, उसके बाद लिया हमने 21 उसके बाद लिया 53 ऐसे समथिंग एक डेटा लिया थे। अभी इस डेटा को, इस कीज को, इस अरे के अंदर, इस हैश टेबल के अंदर, इस हैश टेबल के अंदर अभी स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं हम, देखो जो भी डेटा है, हम जो डेटा अरे हैश टेबल के अंदर स्टोर करने के टेक्निक को ही क्या कहते हैं, हैशिंग कहते हैं। आए समझ में, देखो हैशिंग का मतलब समझ में आ गया।
हैशिंग इट इज अ टेक्निक, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट इज अ टेक्निक टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा, रिट्रीव द डेटा, ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम हैश टेबल, ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में हैशिंग की डेफिनेशन क्या रहती है? हैशिंग इट इज अ टेक्निक टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम हैश टेबल। इस हैश टेबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल भी सकते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं कि वो डेटा कहाँ पे रखा है। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं? हम हैशिंग कहते हैं। समझ में ना, हैशिंग के अंदर हैश टेबल की कंसेप्ट रहती है। अभी ये डेटा स्टोर कैसे करेंगे फिर हम इसके अंदर, ठीक है, इस हैश टेबल के अंदर ये डेटा सपोज अपने को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, हैशिंग टेक्निक से ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे हम उसको अंदर स्टोर? तो देखो यहाँ पे इसको, इस डेटा को हैश टेबल के अंदर स्टोर करने के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, टेक्निक को क्या कहते हैं? हम हैश फंक्शन कहते हैं, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का यूज करके हम ये डेटा इस हैश टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे हैश फंक्शन रहते हैं। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जिसका हम यूज़ करते हैं वो हैश फंक्शन रहता है, डिवीजन मेथड रहता है, डिवीजन मेथड। अभी ये डिवीजन मेथड क्या है? तो ये डिवीजन मेथड का फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एच ऑफ की इज इक्वल टू, एच भी लिख सकते हैं, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे एफ लिखा तो भी चलेगा, फंक्शन ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम। मॉड मतलब ये सिंबल किस लिए, किसके लिए रहता है? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एंड यम, यम का मतलब क्या है? अभी हमने यहाँ पे कहा यम क्या रहता है? साइज ऑफ द हैश टेबल। अभी सपोज यहाँ पे इसके अंदर ये डेटा स्टोर करना है तो देखो हम कैसे करेंगे, हम एच ऑफ पहले क्या है 12, तो ये 12 डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 12 मॉड 10, क्योंकि साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है इसकी, यहाँ पे 10 है, तो 12 मॉड 10 तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। समझ में ना, 12 को अगर 10 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या मिला अपने को, 2 मिला। तो सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे? हम 12 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये 12 एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद देखो अभी 75, तो एच ऑफ 75, तो इसका क्या मिलेगा आंसर? 75 मॉड 10, तो क्या आएगा ये आंसर? ये 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे हम कौन सा डेटा अभी इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब 75। ऐसा समझिए, देखो एक सिंपल मेथड है डिवीजन मेथड, इसी का अपने को हर एग्जांपल में यूज करना है डिवीजन मेथड का। एक फंक्शन हुआ, देखो हैश फंक्शन क्या रहता है? हैश फंक्शन की मदद से हम डेटा क्या कर सकते हैं? हम हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम बाकी का डेटा हम इंसर्ट करेंगे। अभी ये 97 इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? एच ऑफ 97 इज इक्वल टू 97 मॉड 10, तो क्या आया आंसर? जैसे यहाँ पे 7 आया आंसर, तो यहाँ पे 7th इंडेक्स पे हम 97 डेटा इंसर्ट करेंगे हम। वैसे सेम एच ऑफ 21 है तो 21 मॉड 10, तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे 21 डेटा हम इंसर्ट करेंगे। वैसे अगला डेटा है 53, एच ऑफ 53 इज इक्वल टू 53 मॉड 10, तो आंसर आ गया 3। तो थर्ड इंडेक्स पे हम 53 डेटा इंसर्ट करेंगे। आया समझ में? ऐसे हमने क्या किया, सारे कीज इसके अंदर हमने इंसर्ट किए। देखो ये सिर्फ मुझे यहाँ पे डिवीजन मेथड कैस क्या रहती है वो समझाने के लिए मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया एंड ऐसे सीखा मैंने। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके हमने डेटा क्या किया? इंसर्ट किया। इसी फंक्शन को क्या कहते हैं हम? डिवीजन मेथड कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे सब और एक हमने यहाँ पर आइटम लिया रहता है, यहाँ पे सब और एक लेते हैं हम, यहाँ पे 25 लेते हैं, ठीक है, और एक की हमने ऐड की 25। अभी इस 25 को इंसर्ट करना है। देखो अभी इस एक नई एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है 25, तो यहाँ पे एच ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर? 5 आएगा, फिफ्थ इंडेक्स। अभी इस 25 को फिफ्थ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लेकिन फिफ्थ इंडेक्स तो ऑलरेडी फिल्ड है, फिफ्थ इंडेक्स में ऑलरेडी समथिंग डेटा है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते क्या हम? नहीं। तो इसको देखो, इसको क्या कहते हैं? अभी सब अपने को ये डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है यहाँ पे, लेकिन इसको हैश इंडेक्स कहते हैं। हैश इंडेक्स पे ऑलरेडी समथिंग डेटा प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं हम? कोलिजन कहते थे, इसको कहते हैं कोलिजन। ये कोलिजन हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब इस यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये कोलिजन हुआ। तो अभी ये कोलिजन रिजोल्यूशन मतलब इसको अभी रिजोल्व करना है ना अपने को, यहाँ पे इस सिचुएशन को रिजोल्व करना है, तो इस कोलिजन रिजोल्यूशन के टेक्निक्स रहते हैं, इस कोलिजन रिजोल्यूशन के टेक्निक्स है अपने पास, तो अपने को वही सीखना है इस यूनिट में हैशिंग में,
तो वही हम आगे जाके सीखने वाले। यहाँ पे सिर्फ इतना मुझे समझाना था कि कोलिजन कैसे होते। अभी देखो कोलिजन होने के बाद क्या क्या करना है अपने को, तो वो हम आगे जाके सीखने वाले। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इस 25 को। ये आगे जाके होने वाला है, समझ में आई? ये हमने कैसे किया? देखो ये सिंपल मेथड थी, डिवीजन मेथड। इससे हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट किया। अभी और कौन से हैश फंक्शन कहते हैं? देखो उनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हम, लेकिन वो अभी सपोज कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हैश फंक्शन के बारे में कि दो तीन हैश फंक्शन बताओ, तो अभी हम वो देखने वाले कौन सा हैश फंक्शन। तो ये हमने पहला हैश फंक्शन देखा डिवीजन मेथड। अभी सपोज दूसरा हैश फंक्शन देखते हैं। देखो हैश फंक्शन पहला देखा था हमने डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो ये फंक्शन क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चॉप की इज इक्वल टू की मॉड यम। ये हो गया अपना, अभी हमने देखा था इसको। अभी और एक देखते हैं, सेकंड मिड स्क्वायर मेथड, मिड स्क्वायर मेथड। अब इसका एक फंक्शन लिखते हैं हम, ये चॉप की इज इक्वल टू की स्क्वायर, ये चॉप की इज इक्वल टू की स्क्वायर। सपोज डेटा अपना ऐसा है, सपोज कीज अपने पास ये है कि 11 है, उसके बाद 12 है, 13 है, 15 है, समथिंग ऐसा डेटा है। आगे तो जितना डेटा लेते हैं उधर, यहाँ पे 25 है, ऐसा डेटा है। तो अभी इस डेटा को हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। एंड हैश टेबल की साइज़, देखो हैश टेबल की साइज़ हम यहाँ पर कितनी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो डेटा के ऊपर डिपेंड रहेगा, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हैश टेबल की साइज़ कितनी लेनी की। अभी देखो मिड स्क्वायर मेथड क्या है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। तो कीज़ अपने पास ये है, अभी ये डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो सपोज फर्स्ट की 11 है, तो कैसे लिखेंगे हम, एच ऑफ 11। देखो ये फॉर्मूला है ना अपने पास, एच ऑफ की इज इक्वल टू की स्क्वायर। तो एच ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या रहता है, सपोज 121, ठीक है। उसका देखो बाकी का निकालते हैं स्क्वायर, एच ऑफ 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 रहता है ना, ठीक है। एच ऑफ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। वैसे ऐसे में एच ऑफ 15, एच ऑफ 15 स्क्वायर क्या रहता है, 225, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर फिर से एक बार निकालते हैं हम, ठीक है, यही रहेगा 225। देखो ऐसे ऐसे सबके स्क्वायर निकालने रहते हैं। तो अभी हमने को यहाँ पे एच ऑफ 25 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, एच ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर क्या रहता है इसका, शायद 625। तो ये हमने स्क्वायर निकाले। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक हम कोई तो एक लॉजिक अप्लाई करेंगे हम, तो 125 तो मिड स्क्वायर का मतलब क्या रहता है। देखो यहाँ पे इसके नेम से ही आपको समझ में आएगा, मिड पहले हम क्या, पहले स्क्वायर फाइंड आउट किया हमने, अभी हम उसकी मिड पोजीशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इसकी मिड पोजीशन क्या है, 2 है। इसकी मिड 121 नंबर की मिड पोजीशन क्या हो गई, 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी सपोज अपने को 2 डिजिट एड्रेस चाहिए, ठीक है। अपने जो हैश टेबल की साइज अपने पास यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब 0 to 99 है, समझो मतलब टोटल 100 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट का एड्रेस ले सकते हैं ना, तो 2 डिजिट का एड्रेस लेना है। तो यहाँ पे देखो मिड पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे हम, एंड उसके बाद देखो मिड पोजीशन का एक एलिमेंट हुआ एंड उसके आगे का एक डिजिट, ऐसे 2 डिजिट मिला के हम एक एड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया, फिर 21 एड्रेस हो गया। तो 21 एड्रेस पे 21 समथिंग सपोज यहाँ पे रहेगा कहीं पे, यहाँ पे ऐसे 21 है, 21 इंडेक्स पे हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, हम 11 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। उसके बाद देखो देखो अभी 12 का हमने स्क्वायर निकाला, 12 का स्क्वायर 144 था, इसके भी मिड पोजीशन यही है। तो मिड पोजीशन एंड उसके आगे का एक एलिमेंट, ऐसे 2 डिजिट का हम एड्रेस बनाएंगे हम, तो 44। तो 44th पोजीशन पे सपोज यहाँ पे 44 लेते हैं, तो 44th पोजीशन पे हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, हम 12 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। आया समझ में? यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे 169 है, तो मिड क्या है 6 है, तो 69th पोजीशन पे, तो 69th पोजीशन पे हम क्या करेंगे, हम उसको 169 को इंसर्ट कर, सॉरी 69th पोजीशन पे हम 13 एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे देखो 225 एंड 625 यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या है 25 25, तो कोलिजन अगर होता है तो उसको रिजोल्यूशन टेक्निक हम आगे जाके सीखने वाले। तो यहाँ पे इस 25 को थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि ये टेक्निक अभी तक हमने सीखी नहीं है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो इसके बाद हम वही सीखने वाले, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या रहता है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक।
तो ये चाहो 15 का स्क्वायर क्या है 225, तो इसकी मिड पोजीशन है 2, तो 25th पोजीशन पे, तो यहाँ पर रहेगा समथिंग 25th पोजीशन पे, हम क्या करेंगे 15 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो आए समझ में कैसे रहता है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखो। देखो ये इसका क्या एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि मिड स्क्वायर मेथड से ये डेटा इंसर्ट करो, ये सिर्फ अपने का थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। ये मिड स्क्वायर मेथड क्या रहती है, देखो इसके पहले हमने डिवीजन मेथड देखी, डिवीजन मेथड से हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो वो हमने देखा, वैसा ही एक फंक्शन है। इस फंक्शन का यानी यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको टू डिजिट एड्रेस लेने का है, आप 1 डिजिट भी एड्रेस ले सकते हो, आपके वो डेटा के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा कितने डिजिट का एड्रेस लेने, कभी कभी 3 डिजिट का एड्रेस ले सकते हैं हम, ठीक है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका डेटा कौन सा है, क्वेश्चन क्या है आपके पास। समझ में आ गया ये मिड स्क्वायर मेथड क्या रहती है। इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड मेथड एक देखते हैं हम, इसका भी हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ ये समझने के लिए। देखो यहाँ पे फोल्डिंग मेथड, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर तो आप लिख सकते हैं, फोल्डिंग मेथड है, डिजिट फोल्डिंग मेथड भी कहते हैं इसको। सपोज अपने पास डेटा ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज ऐसा डेटा है, ठीक है, कीज ऐसे अपने पास ऐसा और समथिंग कुछ तो डेटा रहेगा, तो यहाँ पे सपोज 1 0 2 1 1 5 6 7 ये कितने डिजिट कर लिया हमने 1 2 8 डिजिट का, ठीक है, ऐसे सपोज डेटा है आगे जाके बहुत सारे, ठीक है, इतने डिजिट का रहेगा। तो फोल्डिंग मेथड क्या रहती है, जो भी डेटा रहता है सपोज अपने को अभी ये एलिमेंट इंसर्ट करना है ना, ये इतना बड़ा एलिमेंट है वो इंसर्ट करना है हैश टेबल के अंदर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले हम सारे इस नंबर को क्या करते हैं, हम पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो भी हम लॉजिक डिसाइड करेंगे कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एंड फिर इसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। सपोज ये डेटा क्या हुआ 12, उसके बाद क्या है 34, हमने ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ऐसे 2 डिजिट में, उसके बाद 56 एंड उसके बाद 78 ऐसे लिया हमने। अभी हम इसके एडिशन करते हैं, इसके ऊपर कौन सा भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी, हम यहाँ पे एक सिंपल ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एडिशन का, तो इसके एडिशन कितने हो गए 180 हो गई, ठीक है, तो इसके एडिशन हो गए 180। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास सपोज यहाँ पे हैश टेबल की साइज अगर ज़्यादा है, बड़ी हैश टेबल की साइज अगर 3 डिजिट है, तो हम इस 180 इसी एड्रेस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, ये डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर अपने हैश टेबल की साइज 2 डिजिट है, 0 to 99 तक है, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट में रख सकते हैं कि हम नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक लॉजिक हम लगाएंगे खुद से कौन सा, तो हम क्या करते हैं, सपोज इस 1 को इग्नोर करते हैं, सपोज पहला जो भी नंबर रहेगा उसको इग्नोर करेंगे, उसके बाद के 2 डिजिट हम लेंगे तो वो अपना एड्रेस हो जाएगा। तो 80th पोजीशन पे हम कौन सा नंबर रखेंगे हम, ये जो भी नंबर रहेगा वो रखेंगे हम 80th पोजीशन पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हमने यहाँ पे एंड 99 2 डिजिट है अपने पास, तो 80th पोजीशन पे, 80 पोजीशन सपोज यहाँ पे, तो ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आया समझ में। तो ऐसे रहता है, देखो यहाँ पे आपको ये लॉजिक, मतलब ये एक बार एक अपने फॉर्मूला डिसाइड किया, ये लॉजिक डिसाइड किया कि कैसे डेटा इंसर्ट करना है, तो सारे नंबर्स पे वही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड उसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे इसको भी 2 डिजिट में से डिवाइड करो एंड इसके एडिशन करो, एंड उसके बाद पहला नंबर छोड़ के बाकी नंबर्स जो भी आएगा 2 डिजिट एड्रेस ले लो ना, एंड वो नंबर उस पोजिशन पर ये नंबर क्या करो, इंसर्ट करो। ये क्या है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फोल्डिंग मेथड, ये क्या है, हैश फंक्शन है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे कोई इसका ऐसे कीज नहीं देंगे आपको एंड बोलेंगे नहीं कि हैश टेबल में इंसर्ट करो, ऐसा नहीं, ये सिर्फ मेथड से। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम किसका यूज़ करने वाले हैं, सभी जगह पे हम इस डिवीजन मेथड का यूज़ करने वाले, ये चॉप की इज इक्वल टू की मॉड ईएम, आए समझ में, ठीक है ना, मिड स्क्वायर मेथड। उसके बाद हमने क्या देखा, देखो पहली मेथड देखी हमने डिवीजन मेथड, हैश फंक्शन में कौन सी मेथड देखी हमने, पहले डिवीजन मेथड, उसके बाद मिड स्क्वायर मेथड एंड उसके बाद फोल्डिंग मेथड, आए समझ में। इसमें देखो और वेरिएशन रहते हैं फोल्डिंग मेथड में, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें यहाँ पे और एक रिवर्स मेथड रहते हैं, मतलब इसी का सब टाइप है। रिवर्स मेथड में क्या रहता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट इसको क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं,
ठीक है, इसको क्या समझे आप, इस 1 2 1 2 3 तो उसको 2 1 किया हमने, बाकी एज इट इज रखेंगे सेम 3 4 5 6 एंड उसके बाद 7 8 को भी रिवर्स करेंगे हम 8 7। ये दूसरी मेथड है इसके अंदर, रिवर्स मेथड, कैसे रिवर्स फोल्डिंग ऐसे भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे एंड बाकी एज इट इज रखेंगे। फिर से यहाँ पे वही करना है, फिर आगे इसमें एडिशन ही करना है आपको, एंड जो भी नंबर आएगा उसमें से आपको 2 डिजिट एड्रेस चाहिए कि 3 डिजिट एड्रेस चाहिए वो आप डिसाइड कर लो, एंड वैसे 2 डिजिट अगर एड्रेस चाहिए तो 2 डिजिट एड्रेस पे हम क्या करेंगे, ये नंबर ओरिजिनल नंबर वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये फॉर्मूलाज रहते हैं, देखो आप इसका सब आंसर कितना आता है, ठीक है, सपोज 198 इसका इसके एडिशन आ गए तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर छोड़ देंगे एंड 98th पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर कौन सा अपना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर वहाँ पे 98th पोजीशन पे ये नंबर इंसर्ट करेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो इस जगह पर भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपने इस मेथड से यूज़ किया हमने, ठीक है, आपने रिवर्स नहीं किया तो यही मेथड, यही सेम फॉर्मूला आपको सारे नंबर्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। कोई तो एक फॉर्मूला आपको डिसाइड करना है, फिर सारे कीज उसी फॉर्मूले से, उसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। समझ में आ गया फोल्डिंग मेथड क्या रहता है। तो ये हो गए अपने हैश फंक्शन। अभी देखो मैं टाइप्स ऑफ हैशिंग दिखाता हूँ आपको क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ हैशिंग। देखो दो टाइप्स रहते हैं हैशिंग के, एक रहता है ओपन हैशिंग एंड दूसरा रहता है क्लोज्ड हैशिंग। ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग। अभी ओपन हैशिंग में कौन सा एड्रेसिंग रहता है, क्लोज्ड एड्रेसिंग रहता है, क्लोज्ड एड्रेसिंग। एंड क्लोज्ड हैशिंग में ओपन एड्रेसिंग रहता है, ओपन एड्रेस। ये नाम थोड़े से ठीक से ध्यान में रखो क्या रहता है, अपोजिट नेम है, ओपन हैशिंग क्लोज्ड एड्रेसिंग। क्लोज्ड हैशिंग में क्या रहता है, क्लोज्ड हैशिंग में ओपन एड्रेसिंग रहता है, आए समझ में। ये नाम थोड़े से अपोजिट है वो ध्यान में रखो। अब ये ओपन हैशिंग क्या रहता है, देखो ओपन हैशिंग में हम कितना भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। इसमें क्या अनलिमिटेड डेटा इंसर्ट कर सकते हो ओपन हैशिंग में, जब तक आपके हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाती तब तक आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो ओपन हैशिंग में। लेकिन क्लोज्ड हैशिंग में क्या रहता है, साइज ऑफ द हैश टेबल फिक्स रहती है। मतलब अगर साइज ऑफ द हैश टेबल 10 ले लिया आपने तो आप सिर्फ 10 एलिमेंट्स ही उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, 11th एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लोज्ड हैशिंग में साइज ऑफ द हैश टेबल लिमिटेड रहती है, उतना डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ओपन हैशिंग में आप कितना भी अनलिमिटेड डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। देखो अभी हमने डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं हैश टेबल के अंदर उसके फंक्शन देखे थे हमने, लेकिन मैंने एक बात बताई थी देखो इसके पहले, एक दो बार ऐसे हुआ था कि कोलिजन हुआ था, ठीक है ना। मतलब सेम पोजिशन पे कि सपोज अपने को सपोज यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 डेटा इंसर्ट करना था तो उसी 5th इंडेक्स पे उसी इंडेक्स पोजिशन पे समथिंग ऑलरेडी समथिंग कोई तो दूसरा डेटा था, तो हम ये डेटा वहाँ पे उस पोजीशन पे इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये कोलिजन हुआ था, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। तो अभी एक अगर कोलिजन होता है तो उसको रिजॉल्व करने के टेक्निक क्या रहते हैं, मतलब उस डेटा को तो अपने को हैश टेबल के अंदर रखना है लेकिन कैसे रखेंगे, उसके कुछ टेक्निक्स रहते हैं, अभी वो हम टेक्निक देखने वाले हैं। तो इसके बाद देखो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक क्या रहते हैं वो देखते हैं हम। कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, पहली टेक्निक कौन सी रहती है, देखो सेपरेट चेनिंग, सेपरेट चेनिंग। एंड दूसरी रहती है ओपन एड्रेसिंग। इसमें क्या रहता है, देखो यहाँ पे इसमें रहता है क्लोज्ड एड्रेसिंग। तो हैशिंग कौन सा होगा इसके अंदर, देखो नाम अपोजिट है ना, क्लोज एड्रेसिंग है तो हैशिंग कौन सा होगा फिर, ओपन हैशिंग। आए समझ में। सेपरेट चेनिंग किसको कहते हैं, क्लोज्ड एड्रेसिंग एंड ओपन हैशिंग में सेपरेट चेनिंग रहते हैं। एंड यहाँ पे रहते हैं ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग मतलब क्या रहता है, कौन सा हैशिंग रहेगा यहाँ पे इसके अंदर, क्लोज्ड हैशिंग रहता है इसके अंदर। अभी ये ओपन एड्रेसिंग में भी 2-3 टाइप रहते हैं। पहला रहता है लीनियर प्रोबिंग, सेकंड रहता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग
एंड थर्ड रहता है डबल हैशिंग. थर्ड क्या रहता है? डबल हैशिंग. अभी देखो लीनियर प्रोबिंग में, लीनियर प्रोबिंग में फिर से दो टाइप रहते हैं, विदाउट चेनिंग, विदाउट चेनिंग, एंड दूसरा टाइप रहता है विथ चेनिंग, विथ चेनिंग. उसके बाद फिर से विथ चेनिंग के अंदर दो टाइप रहते हैं, विथ चेनिंग के अंदर फिर से दो टाइप्स है. पहला है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सेकंड है विथ रिप्लेसमेंट. देखो इतनी सारी टेक्निक्स है अपने पास, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक सीखनी है अपने को. क्लोज्ड एड्रेसिंग में, ओपन हैशिंग में कौन सी टेक्निक रहती है? सेपरेट चेनिंग रहती है. मैंने कहा ना यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा, जब मैं इसका एग्जांपल लूँगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कहा था ना देखो यहाँ पे ओपन हैशिंग में कि हम अनलिमिटेड डेटा इंसर्ट कर सकते, तो वो कैसे कर सकते हम सेपरेट चेनिंग से, वो हम अभी आगे जाकर देखने वाले. उसके बाद क्लोज्ड हैशिंग, ओपन एड्रेसिंग में इसमें क्या रहता है? साइज ऑफ द हैश टेबल लिमिटेड रहती है, मतलब अपना फिक्स रहते कौन सी, तो आप कितनी भी ले सकते, लेकिन एक बार अगर आपने फिक्स की साइज ऑफ द हैश टेबल तो उतनी रहते. सपोज यहाँ पे 10 है अपने पास, साइज ऑफ द हैश टेबल 10 है, तो 10 एलिमेंट्स ही हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इतने सारे टेक्निक्स है. देखो यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग में तो लीनियर प्रोबिंग से हम कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से, नहीं तो डबल हैशिंग से. अभी लीनियर प्रोबिंग में दो टाइप्स रहते हैं, देखो विदाउट चेनिंग एंड विथ चेनिंग रहते हैं. विथ चेनिंग में भी फिर से दो टाइप्स है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट. ये सारे क्वेश्चन हम, इसके सारे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते ही है, ठीक है. इसमें से एक दो क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, 5-6 मार्क्स के लिए फिक्स आएगा. तो हम एक एक करके अभी हम इस सारे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक को हम देखने वाले हैं. देखो हम पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम सेपरेट चेनिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या रहता है सेपरेट चेनिंग. देखो पहली टेक्निक देखते हैं हम सेपरेट चेनिंग. देखो सेपरेट चेनिंग में सपोज डेटा अपना ऐसा है, कीज डेटा है 11 है, उसके बाद है 35, उसके बाद है 24, उसके बाद 21, उसके बाद 91, उसके बाद 25 एंड 14 समथिंग, ऐसा कुछ तो डेटा है. अभी ये डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है ना, ये डेटा इंसर्ट करना है. एंड मेथड कौन सी यूज़ करने की है? सपोज ऐसे कहा है कि यूज डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या है अपने पास? एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम, की इज इक्वल टू डिवीजन मेथड. इस मेथड से हम क्या करेंगे, हम हैश टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे. अभी हैश टेबल की साइज हम लेते हैं 10. देखो आपको लगेगा कि हैश टेबल की साइज यहाँ पे तो आप लिमिटेड कैसे ले ली, मतलब कितनी भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसी हैश टेबल की साइज के अंदर, सपोज 10 हैश टेबल की साइज ले ली ना, तो 10 हैश टेबल की साइज के अंदर ही हम यहाँ पे कितने भी सारे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, 50, 100, 1000 कितने भी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट. जब तक आपकी हार्ड डिस्क फुल नहीं होती तब तक इस 10 जो साइज ले ली है सपोज हमने, तो उसी के अंदर हम डेटा क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्या होगा अपना हैश टेबल. साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी ली हमने, यम इज इक्वल टू 10 ले ली, ठीक है. यम का क्या मतलब रहता है, साइज ऑफ द हैश टेबल 10 ले ली, इसका मतलब 0 to 9 इंडेक्स. अभी ये डेटा इंसर्ट करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको इंसर्ट. अभी एच ऑफ 11 इंसर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या है अपना, एच ऑफ 11 इज इक्वल टू, एक मिनट, देखो हम एक एक एलिमेंट अभी देखते हैं इस डिवीजन मेथड से. तो एच ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 मॉड है, यम की साइज क्या है 10 है, 11 मॉड 10 तो क्या है आंसर, 1 है. तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, ये नोड इंसर्ट करेंगे. देखो सेपरेट चेनिंग में क्या रहता है, ये सब नोड के फॉर्म में रहते हैं. ये भी एक 11 नंबर की एक नोड क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे प्रोग्रामिंग में ये समझ में आता है अच्छे से. यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया हमने, उसके अंदर डेटा रखा 11. एंड ये सेकंड क्या रहता है, इट इज यूज टू स्टोर द एड्रेस,
ठीक है ना, एड्रेस रखने के लिए, अगले नोड का एड्रेस रखने के लिए ये नोड रहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे पहले क्या रहेगा, नल। एंड एक यहाँ पे ऐसे न्यू नोड करके एक पॉइंटर लेंगे हम, न्यू नोड। ये कोडिंग में अच्छे से समझ में आता है, इसका एड्रेस जो भी रहेगा, सब 100 एड्रेस है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखो 11 नंबर अपने को स्टोर करना है, तो पहले हम इसको ऐसे नोड बनाते, ठीक है। ये कोडिंग का पार्ट है एक्चुअली, लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको 11 नंबर कैसे हमने नोड बनाया। अब ये नोड अपने को कहाँ पर रखने के, इसका देखो रिमाइंडर क्या आया, 11 mod 10 रिमाइंडर आया 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले, 11। ये नोड यहाँ पे इंसर्ट करने वाले, मतलब उसका एड्रेस यहाँ पे रखेंगे एंड ये नोड यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसे 11, और यहाँ पे नल लिखेंगे हम, आया समझ में। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी 35 इंसर्ट करना है, तो एच ऑफ 35 इज इक्वल टू 35 mod 10। तो क्या आया इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स आ गई। तो फिफ्थ इंडेक्स पोजिशन पर हम ये नोड इंसर्ट करेंगे इसे 35, यहाँ पे सपोज लिखेंगे नल, आया समझ में। ऐसे नोड इंसर्ट किया हमने। अभी एच ऑफ 24, तो एच ऑफ 24 इज इक्वल टू 24 mod 10। तो क्या आएगा इसका आंसर, 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, ये नोड इंसर्ट करेंगे इस 24। इसके बाद डेटा है अपना 21, तो एच ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 mod 10। तो क्या है आंसर, 1 आ गया। तो फर्स्ट इंडेक्स पे देखो अभी ये डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी समथिंग डेटा है, तो हम इसी के आगे क्या करेंगे, ये नोड इंसर्ट करेंगे हम, ठीक है ना। सेपरेटली चेन करना है ना यहाँ पे, सेपरेट चेनिंग मेथड है। तो यहाँ पे इसी के अंदर देखो उस नोड का एड्रेस हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे हम, एंड वो जो नोड है 21 की, वो 21 की नोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसे। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, पहले सपोज पहले नल रहेगा वहाँ पे। अभी ये 91 इंसर्ट करना है, तो एच ऑफ 91 इज इक्वल टू 91 mod 10। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा। तो 1 फिर से यहाँ पे देखो, 1 इंडेक्स पे, इसी इंडेक्स पोजीशन पे क्या करना है, वो डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के आगे वो नोड ऐड करेंगे हम 91, समझ में। देखो इससे क्या कर सकते हम, अनलिमिटेड डेटा, इनफाइनाइट डेटा क्या कर सकते हम यहाँ पे, जब तक आपके हार्ड डिस्क फुल नहीं, मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक हम डेटा इंसर्ट कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कोलिजन का टेंशन नहीं रहता, कोलिजन होता है इसी इंडेक्स पे, अगर होता है तो हम सिर्फ इसी के आगे हम क्या कर सकते हैं, वो नोड ऐड करते जाएंगे, तो कोलिजन का भी यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं रहता। फिर उसके बाद एच ऑफ 25 है, एच ऑफ 25 mod 10, तो आंसर आ गया 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे देखो, यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे ऑलरेडी समथिंग एलिमेंट है, तो हम इसी नंबर पे आगे क्या करेंगे, ये नोड ऐड करेंगे हम 25। उसके बाद ये 14, एच ऑफ 14, 14 mod 10, तो आंसर आ गया 4। तो फोर्थ पोजीशन पे देखो, यहाँ पर भी पहले से ही डेटा है, तो इसी में हम आगे क्या करेंगे, आगे वो नोड ऐड करेंगे हम 14, ठीक है। अभी डेटा खत्म, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रहता है, नल रहता है लास्ट, आगे कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहता है, नल रहता है, समझ में आ गया। सेपरेट चेनिंग में हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, इस डिविजन मेथड का यूज़ करते हैं हम, एंड जहाँ पे कोलिजन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे नोड ऐड करते हैं हम आगे जाके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप कितना भी डेटा इसके अंदर, इसी साइज ऑफ द हैश टेबल जो भी रहेगी 10 साइज के अंदर, डेटा कितना भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई सेपरेट चेनिंग, क्लोज्ड एड्रेसिंग में रहता है इसे, ठीक है ना, क्लोज्ड एड्रेसिंग, इसको क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड एड्रेसिंग कहते हैं। इसके अंदर हम डेटा, इनफाइनाइट डेटा हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, देखो अभी इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए ये जगह है। लेकिन इससे क्या होता है, देखो हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का अगर एड्रेस स्टोर करना है तो इसको मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे देखो मेमोरी ऐसे ही वेस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर जितने नोड रहेंगे उन सारे नोड के एड्रेस अपने को स्टोर करने पड़ते हैं, ठीक है, सारे नोड के एड्रेस स्टोर करने पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा रहता है। तो यही ड्रॉबैक ओवरकम कहाँ पे किया है अपना, क्लोज्ड एड्रेसिंग में, ओपन एड्रेसिंग में किया है, ठीक है। एक जो क्लोज्ड एड्रेसिंग का ड्रॉबैक है वो हमने ओवरकम किया है ओपन एड्रेसिंग में। तो देखो अभी ओपन एड्रेसिंग देखते हैं हम, ओपन एड्रेसिंग देखो, ओपन एड्रेसिंग में पहली मेथड कौन सी थी, ओपन एड्रेसिंग में पहली मेथड थी लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग के अंदर भी हमने क्या क्या देखा था, विदाउट चेनिंग एंड विथ चेनिंग देखा था। तो हम पहले क्या देखते हैं, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग देखते हैं, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग,
अभी देखो इस मेथड का यूज़ करके हम क्या करने वाले, डेटा इंसर्ट करने वाले हम एंड ओपन एड्रेस। ओपन एड्रेसिंग में एक बात हमेशा ध्यान में रखो, क्या रहता है अपनी साइज ऑफ द हैश टेबल क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, उसी के अंदर डेटा क्या करना पड़ता है अपने को स्टोर करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या करने वाले हम, डिवीजन मेथड का यूज़ करने वाले हम, ठीक है। तो डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड क्या है अपने पास, एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम फेयर रियम इज साइज ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, यम इज इक्वल टू साइज ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल की साइज जितनी रहेगी वो अपना यम रहेगा। एंड देखो अब अगर यहाँ पे कोलिजन होता है तो यहाँ पे अगर इफ कोलिजन ऑकर्स, अगर कोलिजन होता है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है। देखो यहाँ पे एल ऑफ की कॉमा आई इज इक्वल टू एच ऑफ की, देखो यहाँ पे एच ऑफ की प्लस आई मॉड यम, ये फॉर्मूला रहता है। फेयर आई इज फ्रॉम जीरो टू यम माइनस वन, समझ में आया ना। आई क्या है, आई इज फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, फेयर आई इज इक्वल टू जीरो टू यम माइनस वन। आई समझ में, आई की रेंज दी है मैंने यहाँ पे जीरो टू यम माइनस वन। यम क्या है, साइज ऑफ द हैश टेबल। सपोज साइज ऑफ द हैश टेबल 10 है तो 10 माइनस वन क्या हो, 9 हो, 0 टू 9, तो आई की रेंज क्या हो गई, 0 टू 9 हो गई। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब कोलिजन होता है तब। अगर कोलिजन नहीं होता तो इसी फॉर्मूले से, इसी डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, हम डेटा इंसर्ट करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला सपोज कीज दिए ऐसे, आपके पास कीज दिए यहाँ पे 78, उसके बाद 21, उसके बाद लिया है 15, उसके बाद दिया है देखो यहाँ पे और सपोज 16 दिया है, उसके बाद दिया है 25, उसके बाद दिया है 31, ठीक है। इतना डेटा लेते हैं। अभी ये डेटा इंसर्ट करना है अपने को। अभी साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है, साइज ऑफ द हैश टेबल सपोज लेते हैं हम 10 लेते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द हैश टेबल एग्जाम में कभी कभी मेंशन करते हैं, साइज ऑफ द हैश टेबल कभी कभी देते को 8 ले लो, साइज ऑफ द हैश टेबल 9, जो भी क्वेश्चन में दी रहेगी तो वही हम साइज ऑफ द हैश टेबल लेंगे। अगर नहीं कुछ भी दिया तो हम अपने मन से ले सकते कि सपोज मैंने लिया यहाँ पे यम इज इक्वल टू 10 लिया साइज ऑफ द हैश टेबल। अभी ये डेटा इंसर्ट करने को, साइज ऑफ द हैश टेबल 10 है तो ऐसे एक हैश टेबल बनाएंगे हम, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे समझ 0 to 9। इसका मतलब क्या हुआ, हैश टेबल की साइज क्या हो गई, 10 हो गई, 10 एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी ये डेटा इंसर्ट करना है एंड क्वेश्चन में दिया रहता है कि यूज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या है अपनी, एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम। तो इस डिवीजन मेथड से अपने को ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर कोलिजन होता है तभी हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो देखो अभी एक एक डेटा हम क्या करते हैं, इंसर्ट करके देखते हैं इसके अंदर। इसको यही पे हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला डेटा कौन सा है अपना, 78, ठीक है। तो 78 इंसर्ट करना है तो फॉर्मूला कौन सा है अपना डिवीजन मेथड का, देखो फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम। तो एच ऑफ क्या है, 78, ठीक है ना, एच ऑफ 78 इज इक्वल टू 78 मॉड 10, क्योंकि यम साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है, 10 है। तो 78 मॉड 10 क्या आया, ये इसका आंसर 8 आया। तो 8 पोजीशन पे पहले देखो यहाँ पे कोई है क्या, तो 8 पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी नहीं ना, यहाँ पे बकेट क्या है, ये एम्प्टी है। तो इस बकेट में हम क्या रखेंगे, 78 एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखो अभी नेक्स्ट एलिमेंट है 21, तो एच ऑफ 21 इज इक्वल टू 21 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर, 1 आएगा। तो 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट है क्या, देखो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये 21 हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्टली इंसर्ट करना है, अगर वहाँ पे एलिमेंट है तो कोलिजन होगा एंड कोलिजन होता है तो तभी हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अभी देखो अभी तक तो कोलिजन नहीं हुआ, अभी तीसरा एलिमेंट लेंगे हम एच ऑफ 15, तो 15 मॉड 10, तो ये इसका रिमाइंडर आता है 5, तो फिफ्थ पोजीशन देखो खाली है क्या, हाँ, तो यहाँ पे वो ओरिजिनल एलिमेंट 15 हम रखेंगे।
उसके बाद 16 है, तो एच ऑफ 16 इज इक्वल टू, फिर से क्या है, 16 मॉड 10, तो 16 मॉड 10 क्या हुआ, यहाँ इसका आंसर क्या आया, 6। ठीक है, हमने देखो यहाँ पर 78 लिया, 21 एंड 15, 16, तो 6 पोजीशन पे भी कोई एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वो एलिमेंट रखेंगे हम। उसके बाद देखो 25 नंबर लेते हैं हम, 25 एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 25 मॉड 10 क्या आएगा इसका आंसर, 5 आएगा, तो 25 मॉड 10 क्या आया, 5 आया। तो फिफ्थ पोजिशन क्या है, देखो यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन पे ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है 15, तो हम वहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं क्या, हम नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है, 15 एलिमेंट वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, कोलिजन हुआ ना, कोलिजन हुआ, तो अगर जब कोलिजन होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ, अब यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला फिर से एक बार लिखता हूँ, एल ऑफ की कॉमा आई इज इक्वल टू एच ऑफ की प्लस आई मॉड एम। देखो अभी फॉर आई की रेंज क्या रहती है, 0 to m-1, m के 10 है, 10-1 मतलब 9, 0 to 9 रेंज आई की, तो पहले आई की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा पहले, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, एल ऑफ की कितनी है अपनी 25 एंड कॉमा आई की वैल्यू क्या है 0, 25, 0 इज इक्वल टू एच ऑफ 25 कितना है आंसर, 5 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0, 5 + 0 मॉड 10, तो क्या है इसका 5 + 0 क्या है 5 मॉड 10 क्या है आंसर, 5 आ गया। लेकिन फिफ्थ पोजीशन क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम, तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, ठीक है ना, आई की वैल्यू पहले 0 ले लिया हमने, अभी आई की वैल्यू 1 लेते, तो एल ऑफ 25, 1 इज इक्वल टू, तो क्या होगा 5 + 1, समझ में ना, ये फॉर्मूला का एच ऑफ की अपने पास फाइंड आउट किया हमने 5, तो 5 + 1 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर 6 मॉड 10, तो इसका आंसर आएगा 6। लेकिन 6 पोजीशन पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे 6 इंडेक्स देखेंगे हम पहले, 6 इंडेक्स पे क्या है 16 है, मतलब 6 इंडेक्स पे भी क्या है समथिंग, कोई ना कोई तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये 25 एलिमेंट भी हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कोलिजन हो रहा है, तो हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे फिर, फॉर आई इज इक्वल टू 2 करेंगे हम, तो एल ऑफ 25, 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 प्लस, ठीक है ना, एच ऑफ की कितना 5 है, प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका, 5 + 2 क्या है 7 है, 7 मॉड 10, 7 मॉड 10 का आंसर क्या आता है 7 आता है, तो 7 पोजीशन देखो अभी, तो 7 पोजीशन खाली है क्या, 7 पोजीशन देखो यहाँ पे खाली है, तो मतलब 25 नंबर हम कहाँ पर रखेंगे, 7th इंडेक्स पर रखेंगे हम। देखो ऐसे में देखो यहाँ पे पहले हमने 25 को ले डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था, ये चौक 25, तो उसका आंसर क्या था 5, लेकिन 5th इंडेक्स पे समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट था, तो कोलिजन हुआ, तो इसलिए हमने इफ कोलिजन ऑकर्स तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं लीनियर प्रोबिंग में, तो वो फॉर्मूला लिखा, एंड इस फॉर्मूले में आई क्यू है रेंज क्या है 0 to 9, तो आई क्यू पहले फॉर आई इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया हमने, की क्या है 25, आई क्या है 0, एच ऑफ की हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 5 + 0 मॉड 10, 5 + 0 5 5 मॉड 10 5 आते हैं, तो फिर से फिफ्थ पोजिशन फील्ड है, तो आई की वैल्यू क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 25, 1 इज इक्वल टू 5 + 1 मॉड 10, 6 मॉड 10 आंसर आ गया 6। लेकिन 6 पोजीशन भी फील्ड है, यहाँ पर भी कोलिजन है, तो फिर से आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 2 करेंगे हम, 25, 2 तो आंसर आ गया, यहाँ पे देखो एच ऑफ की क्या है 5 + 2 मॉड 10, तो 7 मॉड 10 तो आंसर आ गया 7। तो 7th पोजीशन यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे एम्प्टी थी, तो ये 25 एलिमेंट हमने कहाँ पर इंसर्ट किया 7th पोजीशन पे, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कोलिजन होता है तो हम कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ एग्जाम में आपको दिखाना रहता है कि कैसे आपने इंसर्ट किया है। अभी आगे का एक एलिमेंट देखते हो, क्या 25 होगा, अभी 31 को इंसर्ट करते, तो ये चॉप 31, देखो हमेशा पहले डिविजन मेथड से सॉल्व करना है, अगर इससे हम वो एलिमेंट इंसर्ट कर पाए तो उसी तो एक तो ये फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, जब वो कोलिजन होगा तभी इसका यूज़ करना है। तो ये चॉप 31 इज इक्वल टू क्या करते हैं हम 31 मॉड 10, तो 31 मॉड 10 आंसर आ गया 1। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है, फील्ड है, यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए अपने वो, देखो एल ऑफ मेरे अभी वो फॉर्मूला नहीं लिखता, डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, एल ऑफ 31, आई की रेंज कितने लेते हैं पहले हम 0 से स्टार्ट करते ना, फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो एल ऑफ 31, 0, ठीक है ना, ये क्या है फॉर यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, 31, 0 इज इक्वल टू एच ऑफ की कितना है, एच ऑफ 31 कितना है 1 है, तो 1 + i की वैल्यू क्या है 0 मॉड 10,
तो क्या है इसका आंसर, 1 mod 10 क्या आएगा, फिर से आंसर 1 आएगा। तो फर्स्ट पोजिशन क्या है, फील्ड है, तो आई की वैल्यू, आई की रेंज क्या करेंगे हम, 1 करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा, ये एल ऑफ 31, 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखो एल ऑफ 31, 1 इज इक्वल टू एच ऑफ 31 कितना है, 1 है, देखो एच ऑफ 31 हमने पहले यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो 1 प्लस आई की रेंज बढ़ेंगे अभी, आई की 1 हो गई, मॉड 10, तो हो गया है 2 mod 10, तो आंसर आया 2। तो अभी सेकंड इंडेक्स खाली है, देखो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स खाली है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं हम, ये 31 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते, तो यहाँ पे जाएगा 31, आया समझ में। अगर वहाँ पर भी समथिंग कोई एलिमेंट होता तो हम आई की वैल्यू 2 करते, अगर वहाँ पर भी एलिमेंट रहता तो आई की वैल्यू ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। आई की रेंज का 0 to 9 तक है, एंड अगर आई की 0 to 9 तक गए एंड कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं है तो हम कह सकते कि वो एलिमेंट हम वहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी हैश टेबल में कोई भी जगह एम्प्टी नहीं होगी तो वो एलिमेंट हम वहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। आया समझ में, कैसे करते हैं, कोलिजन होता है तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना रहता है, देखो ये सारे एलिमेंट हमने इंसर्ट किए, अभी यहाँ पर एक ये कीज हमने इंसर्ट की, अभी यहाँ पे एक प्रोबिंग करके एक कंसेप्ट रहती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रखने के लिए कितना टाइम लगा उसको क्या कहते हैं हम, प्रोब्स कहते हैं, प्रोब्स, प्रोब भी लिख सकते, प्रोब्स भी लिख सकते। अभी देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 78 पहला एलिमेंट था ना, तो 78 को इंसर्ट किया था हमने, 78 mod 10 8th पोजीशन पे, तो यहाँ पे 8th पोजीशन पे वो 78 एलिमेंट रखने के लिए अपने को कितने कंपैरिजन करने पड़े थे, वहाँ पे देखो ये पोजीशन तो खाली थी, यहाँ पे पहले कोई नहीं था, तो यहाँ पे हमने कितने कंपैरिजन किए थे, सिर्फ एक ही कंपैरिजन किया था, तो वहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद देखो यहाँ पे 21 रखा था हमने फर्स्ट पोजीशन पे, तो वहाँ पर भी हमने कितने कंपैरिजन किए थे, एक ही कंपैरिजन किया था, तो कितना टाइम लगा था उसको, 1 टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ पे 15 को रखने के लिए भी एक कंपैरिजन करना पड़ा था, उसके बाद 16 को रखने के लिए भी एक कंपैरिजन किया था हमने। अभी देखो 25 जब रखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, 0th इंडेक्स पे फिर से 5 आया था, आई इज इक्वल टू 1 पे फिर से 6 आया था, वो पोजीशन भी एम्प्टी नहीं थी, आई इज इक्वल टू 2 किया था तब 7th इंडेक्स आया था, तब हमने वहाँ पे 25 रखा था। तो कितने कंपैरिजन करने पड़े यहाँ पे, देखो आई इज इक्वल टू 0 मतलब 1 कंपैरिजन, यहाँ पे 2 कंपैरिजन, 3rd कंपैरिजन। देखो 25 एलिमेंट रखना था तो पहले हमने इसके साथ कंपेयर किया था फर्स्ट कंपैरिजन, उसके बाद सेकंड कंपैरिजन एंड थर्ड कंपैरिजन, तो थर्ड कंपैरिजन में वो पोजीशन अपने को एम्प्टी मिली थी एंड वहाँ पे हमने 25 रखा था, तो हमने 3 कंपैरिजन किए थे 25 को रखने के लिए, तो वहाँ पे मैं 3 रखता हूँ। एंड 31 देखो 31 के लिए कितने कंपैरिजन किए थे, पहले यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू 0 मतलब 31 के लिए पहले ये कंपैरिजन किया था, यहाँ पे नहीं रख सकते थे हम, तो ये सेकंड कंपैरिजन किया था, तो यहाँ पे रखा था, तो इसलिए कितने कंपैरिजन हो गए, 2 कंपैरिजन हो गए। तो हम ऐसे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन इज इक्वल टू कितने कंपैरिजन हो गए, देखो ऐसे लिख सकते हैं एडिशन, 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1, तो क्या आता है इसका आंसर, 3, 4, 5, 8 and 9, तो टोटल कंपैरिजन, नहीं तो इसको टोटल कॉस्ट भी कहते, टोटल कॉस्ट नहीं तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन टू स्टोर द एलिमेंट कितने हो गए, उसका आंसर क्या आया, 9 आया। कभी कभी एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन भी पूछते हैं, एवरेज फाइंड आउट करो इसका, तो इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो इसका एवरेज रहेगा ये टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, देखो एवरेज, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, 9, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास, देखो देखो साइज ऑफ द हैश टेबल अलग है एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9/6, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा अपना, एवरेज होगा, तो यहाँ पे सपोज 1.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है, तो ये एवरेज कॉस्ट हो गई। एंड उसके बाद देखो और एक रहता है यहाँ पे, एग्जाम में कभी कभी पूछते कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितनी है, देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कोई है क्या, यहाँ पे कोई भी नहीं है,
जीरो इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाए तो हम वहाँ पे देखो अभी कभी कभी लगता है कि इसके ऑर्डर निकालना तो यहाँ पे 21, 31, 15, 16, 25, 78 ये लिखना चाहिए, लेकिन ये गलत रहता है, ऐसे नहीं लिखते। यहाँ पे देखो जीरो इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, हम जीरो इंडेक्स पे कोई है क्या, कोई भी अगर एलिमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम डैश लिखेंगे, डैश कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर 21 फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद 31, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कोई है क्या, नहीं है तो वहाँ पे डैश दिखाओ, जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पे डैश लिखना रहता है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे भी कोई नहीं, डैश, उसके बाद 15, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे क्या है, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 78, उसके बाद डैश। आया समझ में, ये क्या हो गई इसकी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता वहाँ पे क्या लिखते हैं, हम डैश लिखते हैं, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। नहीं तो जनरली कैसे लिखते हैं, अगर जिसको हमने रखा तो यहाँ पे पहले 21 दिखाई देता है, 21, 31, 15, 16, 25, 78 ऐसे लिखते, तो ऐसे नहीं लिखना, समझ में आ गया, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है वहाँ पे डैश लिखने, सिंपल है। देखो यहाँ पे समझ में आया, डिवीजन मेथड का यूज़ करना है, अगर इससे हम एलिमेंट इंसर्ट कर पाए तो इसी से सॉल्व करेंगे, अगर कोलिजन हुआ तभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। यानी यहाँ पे प्रोब्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हम वो कितना टाइम लगा, कितने कंपैरिजन करने पड़े वो लिखे हमने, तो उसी को क्या कहते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, नहीं तो टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमने ऐसे फाइंड आउट की, इनकी सबके एडिशन की हमने तो 9, एंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कंपैरिजन भी हमने फाइंड आउट किए, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 9/6, 1.5, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया, ये देख, ये क्या था, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग। आगे के लेक्चर में हम लीनियर प्रोबिंग विद चेनिंग देखेंगे, विद चेनिंग के दो टाइप देखेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देखेंगे, डबल हैशिंग देखेंगे। देखो इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से, 5-5 मार्क के लिए 10 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि ऐसे लीनियर प्रोबिंग से, नहीं तो क्वाड्रेटिक से, नहीं तो डबल हैशिंग से, कि वो एलिमेंट्स इंसर्ट करो हैश टेबल के अंदर, ऐसे दिखा हो कैसे किया। ठीक है, थैंक यू। देखो हम कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक देख रहे थे, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में ओपन एड्रेसिंग में हमने इसके पहले क्या देखा था, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग देखा था, ठीक है ना। लीनियर प्रोबिंग में टाइप्स है, एक विदाउट चेनिंग था, एक विथ चेनिंग था, तो विदाउट चेनिंग अपना हुआ है, अभी हम विथ चेनिंग देखने वाले हैं। देखो लीनियर प्रोबिंग मतलब डेटा आपने को इंसर्ट करना है कैसे, लीनियर प्रोबिंग से, लेकिन यहाँ पे चेनिंग का यूज़ करना है, विथ चेनिंग एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो विथ चेनिंग में दो टाइप रहते, एक विदाउट रिप्लेसमेंट एंड एक विथ रिप्लेसमेंट रहते, तो पहले हम देखने वाले विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। विथ चेनिंग का फर्स्ट पार्ट क्या है अपना, विदाउट रिप्लेसमेंट हम डेटा इंसर्ट करेंगे हम। अभी सपोज देखो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अपना वही रहेगा। देखो डिवीजन मेथड क्या है, देखो डिवीजन मेथड है अपनी एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम, एंड यम क्या अपना साइज ऑफ द हैश टेबल, वेयर यम इज साइज ऑफ द हैश टेबल, एंड इफ कोलिजन ऑकर्स, अगर कोलिजन होता है तो फॉर्मूला कौन सा रहता है अपना लीनियर प्रोबिंग में। देखो हमने इसके पहले भी एग्जांपल में देखा था ना, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग में भी देखा था हमने, वही फॉर्मूला रहता है लीनियर प्रोबिंग का, विथ चेनिंग रहने दो, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं तो रहने दो, नहीं तो विथ रिप्लेसमेंट रहने दो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सेम ही रहता है। देखो लीनियर प्रोबिंग यहाँ पे की कॉमा आई इज इक्वल टू एच ऑफ की प्लस आई मॉड यम, एंड आई, देखो आई की रेंज क्या रहती है, आई रेंज फ्रॉम 0 to m-1, ठीक है, एंड यम क्या रहता है अपना साइज ऑफ द हैश टेबल। समझ में इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करने वाले, लीनियर प्रोबिंग हम सॉल्व करेंगे। लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला है कौन सा भी रहने दो, देखो लीनियर प्रोबिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग रहने दो, विथ चेनिंग रहने दो, विथ चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट रहने दो, नहीं तो विथ चेनिंग विथ रिप्लेसमेंट रहने दो, फॉर्मूला अपना ये रहेगा। अभी सिर्फ विदाउट चेनिंग में क्या था, एक चेनिंग का एक कॉलम नहीं था, यहाँ पे एक विथ चेनिंग है ना, तो चेनिंग का एक कॉलम ऐड होता है। देखो अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या रहता है। देखो एक एग्जाम्पल लेते, सपोज डेटा आपने को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मैं कीज लिखता हूँ, कीज क्या क्या है अपने पास, देखो साइज ऑफ द हैश टेबल हम क्या लेंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहते साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी लेनी के, अभी हम यहाँ पे लेते साइज ऑफ द हैश टेबल लेते हैं 10,
m इज इक्वल टू 10 कंसिडर करते हैं हम, तो यहाँ पे मैं टेबल निकालता हूँ। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम्स रहेंगे, पहला कॉलम है की के लिए एंड दूसरा रहेगा चेन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी ये जीरो पोजीशन है, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है इतने रहेगा। टोटल साइज ऑफ द हैश टेबल 10 है, तो हम कहाँ तक, 0 से 9 तक जाएंगे। एंड चेन कॉलम में, चेन पोजीशन पे पहले क्या रहता है, -1 रहता है सभी जगह। -1 का मतलब क्या रहता है, एंड ऑफ द चेन, मतलब अभी तक कोई भी चेन नहीं है। देखो चेनिंग आपको समझ में आएगा क्या कंसेप्ट है। विदाउट चेनिंग में समथिंग ड्रॉबैक थे, सब कोई भी एलिमेंट अपने को सर्च करने को कहा तो अपने को सारे मतलब यहाँ पे लीनियरली सर्च करना पड़ता था, लेकिन विद चेनिंग में हम सिर्फ यहाँ पे चेन, उस चेन की वैल्यू क्या है तो डायरेक्टली हम वहाँ पे जंप करेंगे जो पोजीशन रहेगी। आपको देखो क्वेश्चन समझ में आएगा अभी सॉल्व करने के बाद कि इसका, इसके एडवांटेजेस क्या है, विदाउट चेनिंग में क्या ड्रॉबैक थे एंड विद चेनिंग के एडवांटेजेस क्या है, वो अभी एक क्वेश्चन होने के बाद समझ में आएगा आपको। देखो समझ में, अभी देखो अभी हम कीज लेते हैं क्या क्या रखने के, सपोज यहाँ पे 12 है, उसके बाद है उसके बाद सपोज 13 है, उसके बाद यहाँ पे 78 लेते, उसके बाद 92 लेते एंड लेते सपोज यहाँ पे 18 लेते, ठीक है। ऐसे कीज लेते, कीज हम ऐड भी कर सकते हो और चाहिए तो। देखो यहाँ पे कीज कितने ले हमें, 12 13 78 92 एंड 18, ऐसे कीज ले। अभी इस कीज को हम क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे हम, तो देखो अभी यहाँ पे पहले हम 12 कीज रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा रहता है, देखो डिवीजन मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना है अपने को, h ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड m, तो h ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 मॉड m, कितना है अपना 10 है, साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है 10 है, तो 12 मॉड 10 का आंसर क्या आया, 2 है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे चेन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहला एलिमेंट है, यहाँ पे एम्प्टी पोजीशन थी तो हमने वहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो अभी सेकंड रखना है, यहाँ पे 13 एलिमेंट रखना है, तो h ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 आएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले, 13 जो एलिमेंट है अपना वो रखेंगे हम। उसके बाद देखो 78 है, तो h ऑफ 78 तो क्या आएगा, 78 मॉड 10, तो आंसर आएगा 8, रिमाइंडर आएगा 8 इस उसका, तो 8 पोजीशन पे हम 78 रखेंगे। देखो अभी तक हमने चेन में कुछ नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ही एम्प्टी मिल रही है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द चेन, आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद 92 है, तो h ऑफ 92 रखना है, तो 92 मॉड 10 किया तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो अभी सेकंड इंडेक्स पे अपने को 92 रखना है, तो सेकंड इंडेक्स क्या हो, लेकिन ऑलरेडी फील्ड है, सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अगर कोलिजन हुआ तो फॉर्मूला कौन सा रहता है अपना, l ऑफ की, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, l ऑफ की कॉमा आई इज इक्वल्स टू h ऑफ की प्लस आई मॉड m। तो देखो यार ये लॉप क्या, किसका फाइंड आउट करना है अपने को, 92 का, तो 92 आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 92,0 इज इक्वल टू h ऑफ की, मतलब h ऑफ 92 हमने फाइंड आउट किया है, h ऑफ 92 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 + 0 मॉड 10, तो क्या आएगा आंसर इसका, 2 + मतलब यहाँ पे 2 आएगा आंसर, ठीक है ना, 2 + 0 2 एंड 2 mod 10 का आंसर 2 आएगा। लेकिन सेकंड इंडेक्स क्या ऑलरेडी फील्ड है, तो आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये लॉप 92,1, ठीक है ना, आई की वैल्यू 0 थी, अभी आई की वैल्यू हमने 1 की, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 + 1 mod 10, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 3 mod 10, तो 3 mod 10 का आंसर आता है 3। तो थर्ड इंडेक्स पे देखो यहाँ पे, थर्ड इंडेक्स पे भी यहाँ पे समथिंग कुछ तो डेटा है, तो हम आई की वैल्यू और इंक्रीमेंट करेंगे हम, तो यहाँ पे 92,2 करेंगे हम, तो क्या आएगा, 2 + 2, देखो आई की वैल्यू पहले 0 थी, उसके बाद 1 की, उसके बाद 2, तो 2 + 2 mod 10, तो क्या हुआ है, 4 mod 10, क्या है आंसर इसका, 4। तो फोर्थ इंडेक्स खाली है, देखो तो फोर्थ इंडेक्स खाली है, तो फोर्थ इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले, हम 92 रखने वाले।
आया समझ में 92 कैसे रखा हमने? अभी देखो 92 रखा हमने यहाँ पे, लेकिन 92 का इंडेक्स क्या था पहले? 92 का रिमाइंडर आया था 2 आया था, तो ये सेकंड इंडेक्स पे जाना चाहिए था। मतलब जब हम इसको सर्च करेंगे, देखो अभी सर्च करने की टेक्निक कैसे रहते, सपोज मुझे 92 सर्च करना है इसमें, तो वो कैसे करेंगे? फिर से यही सेम डिवीजन मेथड से, तो 92 मॉड 10 करेंगे हम, तो 92 मॉड 10 का आंसर आएगा 2। तो हम कहाँ पे जाएंगे सर्च करने के लिए? 2, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा ना पहले हैशिंग बाकी के डेटा स्ट्रक्चर से फास्ट क्यों है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है, ओ अप 1, जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो 2 सेकंड इंडेक्स पर डायरेक्टली जाएंगे तो यहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे नहीं है लेकिन, तो इसलिए यहाँ पे देखो अगर ये विदाउट चेंजिंग का टॉपिक रहता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले सेकंड इंडेक्स पे देखेंगे, फिर से उसके बाद क्या करते हैं हम उसके आगे वाले इंडेक्स पे देखते हैं, थर्ड इंडेक्स पे, उसके बाद फोर्थ इंडेक्स पे, ऐसे एक एक इंडेक्स देखते हैं हम। आए समझ में ना? लेकिन अभी यहाँ पे अगर चेनिंग में क्या रहता है तो इसका चेन देना पड़ता है। अभी देखो ये सेकंड इंडेक्स पे आना चाहिए था ना 92, जब हमने रखा, हमने 92 रखा, कहाँ पे रखा हमने? यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे रखा, लेकिन उसका पहला रिमाइंडर क्या था? 2 था, तो यहाँ पे इसकी चेनिंग चेंज करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे इसकी हम चेनिंग देकर रखेंगे, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है? 4 है, तो यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, एक मिनट देखो, यहाँ पे -1 रब करके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे हम। आया समझ में? तो मतलब जब हम सर्च करने जाएंगे 92, अभी देखो सपोज 12 सर्च करने जाएंगे हम, तो 12 मॉड 10 तो क्या आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। तो पहले सेकंड इंडेक्स का कंपेयर करेंगे हम, तो सेकंड इंडेक्स का कंपेयर किया तो यहाँ पे 12 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, तो अपने को फाइंड आउट हुआ, ठीक है, हमने कहा कि सेकंड इंडेक्स पे 12 प्रेजेंट है। लेकिन जब 92 फाइंड आउट करना है तो हम पहले उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे हम, 92 मॉड 10, तो उसका आंसर आता है 2, तो सेकंड इंडेक्स के साथ पहले कंपेयर करेंगे हम, तो सेकंड इंडेक्स में क्या है यहाँ पे? 12 है, तो वो ठीक है ना, तो 92 इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो हम क्या करेंगे उसके चेनिंग में देखेंगे। अभी हम इसे लीनियरली सर्च नहीं करेंगे, हम उसके चेनिंग में जाएंगे कि वो कहाँ पे वो देखेंगे। तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो हम फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे एंड फोर्थ इंडेक्स के साथ फिर से 92 का कंपेरिजन करेंगे हम, तो यहाँ पे 92 इज इक्वल टू 92 हो गया, 92 इज इक्वल टू 92, ये ट्रू हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे वो इलेमेंट प्रेजेंट है। समझ में ना? चेनिंग से क्या होता है, हम वो इलेमेंट फास्ट सर्च करते हैं। आए समझ में? अगर और कोई सपोज यहाँ पे 2 इंडेक्स का एलिमेंट रहता और सपोज यहाँ पे 22 वगैरह रहता, तो एलिमेंट हम वो कहाँ पे रखते? हम यहाँ पे रखते एंड उसकी चेनिंग देते फिर हम यहाँ पे। आए समझ में? देखो वो एलिमेंट भी हम ऐसा एक इंसर्ट करके देखेंगे, पहले ये देखते बाकी एलिमेंट क्या क्या है। हमने अभी क्या रखा? 92 रखा, अभी हम 18 एलिमेंट रखते हैं, 18 एलिमेंट, ठीक है, तो 18th एलिमेंट कहाँ पे जाएगा? देखो 18 एलिमेंट कहाँ पे जाना चाहिए? देखो 18 इलेवन रखना, तो पहले कहाँ पे रखेंगे? एच ऑफ 18 इज इक्वल टू 18 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर? 8 आएगा। लेकिन 8 पोजीशन खाली है क्या? नहीं, 8 पोजीशन पे समथिंग इलेवन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लॉप 18 कॉमा आई की वैल्यू पहले 0 लेंगे, तो यहाँ पे देखो एच ऑफ की, एच ऑफ की क्या अपने पास? एच ऑफ 18 हमने फाइंड आउट किया, 8 प्लस 0 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर? 8 ही आएगा, ठीक है ना, 8 प्लस 0 8, 8 मॉड 10 8 आए, तो 8th पोजीशन तो खाली नहीं है, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम, ये लॉप 18 कॉमा 1 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर फिर? देखो यहाँ पे 9 मॉड 10, तो 9 मॉड 10 क्या रहता है? 9 रहता है, ठीक है, 9 मॉड 10, अभी देखो ये थोड़ा 10 यहाँ पे, तो 9 मॉड 10 का आंसर आ गया, एक मिनट, 9 मॉड 10 का आंसर आ गया 9, तो 9th पोजीशन खाली है क्या? नहीं, तो 9th पोजीशन एम्प्टी है, तो 18 एलिमेंट हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अभी उसकी चेनिंग देनी पड़ेगी अपने यहाँ पे, तो 18 एलिमेंट का एक्चुअल रिमाइंडर क्या था? 8 था, तो जब हम सर्च करने जाएंगे तब 8th पोजीशन पे जाएंगे, तो 8th पोजीशन पे पहले आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये है क्या 18 नहीं है, तो उसके चेनिंग में देखेंगे हम। लेकिन देखो अभी 18 कहाँ पे रखा है हमने? 9 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए था? 9 रखना चाहिए, तो -1 रब करके हम क्या रखेंगे वहाँ पे? 9 रखेंगे हम, तो 9 पोजीशन पे जंप करेंगे, 9 पोजीशन पे क्या मिलेगा अपने को? 18 मिलेगा। समझ में आया ना? देखो यहाँ पे 18 एलिमेंट रखना था, 9th इंडेक्स एम्प्टी थी, तो 9th इंडेक्स पे रखा, तो उसका जो है ना उसकी चेनिंग देनी पड़ती है अपने, तो 8th इंडेक्स पे हम क्या करेंगे? उसकी चेनिंग रखेंगे, क्यों? 9th 18 एलिमेंट कहाँ पे रखा हमने? 9th इंडेक्स पे रखा है, तो यहाँ पे -1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? 9 रखेंगे हम। आए समझ में? देखो सारे एलिमेंट हमने अभी
यहाँ पे रखें, अभी मैंने कहा था और एक एलिमेंट सपोज हम ऐड करते हैं यहाँ पे 22 एलिमेंट ऐड करते हैं हम 22। तो देखो 22 एलिमेंट कहाँ पे जाना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो 22 मॉड 10, ठीक है ना, देखो 22 मॉड 10 किया हमने, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी 22 को रखना है तो कैसे रखेंगे हम, तो एच ऑफ 22 इज इक्वल टू 22 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन सेकंड इंडेक्स क्या ऑलरेडी फील्ड है, तो अपने को यहाँ पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हम कोलिजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल ऑफ 22 स्टार्टिंग विद 0 से स्टार्ट करेंगे हम, एंड उसके बाद एच ऑफ की क्या अपने पास 2 है, 2 प्लस 0 मॉड 10, तो क्या आया इसका आंसर 2 प्लस 0 2, 2 मॉड 10 2 आए। तो फिर से सेकंड इंडेक्स क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे हम, ये लो 22.1 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 मॉड 10, तो इसका आंसर आता है 3 आता है इसका आंसर। तो लेकिन थर्ड पोजीशन भी एम्प्टी नहीं है, तो ये लो 22.2 आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम 2 प्लस 2 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर 4 आता है। फोर्थ पोजीशन भी खाली नहीं है, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, ये लो 22.3 करेंगे हम, तो 2 प्लस 3 मॉड 10, तो क्या आता है इसका 2 प्लस 3 5 मॉड 10 5 आता है। फिफ्थ पोजीशन खाली है, देखो आप फिफ्थ पोजीशन खाली है, तो ये 22 एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे। अब इसका चेनिंग देंगे हम, देखो आप चेनिंग कैसे देते हैं हम, देखो 22 का रिमाइंड 22 का अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है, तो सेकंड इंडेक्स में देखेंगे हम, तो सेकंड इंडेक्स में यहाँ पे समथिंग कोई ना कोई तो चेनिंग दिया हुआ है पहले से, तो एक पोजीशन पे हम एक ही चेनिंग इंडेक्स दे सकते हैं हम, यहाँ पे 4.4, सपोज 22 का इंडेक्स क्या 5 है, तो 4.5 ऐसे नहीं लिख सकते हम, तो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स लिखा ना हमने। अभी फोर्थ इंडेक्स में जाएंगे, फोर्थ इंडेक्स में भी क्या रहेगा, रिमाइंडर 2 वाला ही एलिमेंट रहेगा, तो देखो फोर्थ इंडेक्स में 92 है लेकिन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इंडेक्स पे पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इस -1 की जगह पे हम 5 रखेंगे हम, तो इस 22 का इंडेक्स यहाँ पे देंगे हम। देखो 22 का इंडेक्स हम यहाँ पे नहीं देंगे, हम ये जंप रहे, देखो यहाँ पे पहले 22 को फाइंड आउट करना है ना, तो क्या होगा 22 मॉड 10, तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है ना, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स से इसका सर्चिंग स्टार्ट होता है, तो सेकंड इंडेक्स में जाएंगे पहले, तो सेकंड इंडेक्स में 22 का कंपेरिजन पहले 12 के साथ करेंगे तो ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे चेनिंग में देखेंगे, तो चेनिंग में क्या है 4 है, तो हम फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे, तो फोर्थ इंडेक्स के साथ फिर से इसको कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पर भी नहीं है वो एलिमेंट, तो हम फिर से इसके चेनिंग में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 5 लिखा है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जाएंगे, तो वैसे चेनिंग से क्या होता है वो एलिमेंट फास्ट सर्च होता है, आए समझ में। एंड यहाँ पर भी देखो ये प्रोबिंग, मतलब हम अभी अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो अभी हम एक और एक कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं कि प्रोबिंग का कि कितना टाइम लगा, हाउ मेनी कंपेरिजन, ठीक है ना, कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन बताओ कितने, उसकी टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉप्स का एक कॉलम बनाएंगे हम, इसे प्रॉप्स का एक कॉलम बनाएंगे हम, प्रॉप्स का मतलब क्या है, उसको कितना टाइम लगा उसको एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। देखो पहले हमने जो 12 इंसर्ट किया, देखो यहाँ से पता चलता है 12 इंसर्ट किया था हमने, तो सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट किया, तो सेकंड इंडेक्स पे हम वहाँ पे पहले कोई नहीं था, एम्प्टी था वो पोजीशन, तो यहाँ पे अपने को एक ही कंपेरिजन करना पड़ा था सेकंड पोजीशन के साथ। हमने 13 को रखा था, हमने 13 को भी हमने क्या किया था, एक ही कंपेरिजन में रखा था। 78 को रखा था हमने यहाँ पे 8th पोजीशन पे, वहाँ पर भी हमने एक ही कंपेरिजन में रखा था। देखो 92 को जब रखा था हमने, तो 92 के टाइम यहाँ पे कोलिजन हुआ था, तो यहाँ पे देखो कोलिजन जब हुआ था इसका, तब हमने उसको कितने कंपेरिजन किया, देखो पहले आई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया था, ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे 0 के साथ कंपेयर किया था, 1 के साथ कंपेयर किया था, एंड 2 के साथ कंपेयर किया था, मतलब 3 कंपेरिजन किए थे, ठीक है, तो 3 कंपेरिजन किए थे, तो इसका प्रोब्स कितना हुआ, प्रोब्स वैल्यू 92 का 3 हुआ। देखो 92 का पहले यहाँ पे इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसके साथ कंपेयर किया, ऐसे 3 कंपेरिजन किए थे। 22 का के लिए कितने कंपेरिजन किए, उसके पहले 18 का देखते हैं, 18 के लिए कितने कंपेरिजन किए थे हमने, 2 कंपेरिजन, पहले ये पोजीशन पे कंपेयर किया था, उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे कंपेयर किया था, तो यहाँ पे 2 कंपेरिजन हो गए, आए समझ में। देखो यहाँ पे 18 का मैं दिखाता हूँ, देखो 18 के लिए हमने पहले ये 0 के साथ कंपेयर किया, उसके बाद 1 के साथ कंपेयर किया, ऐसे 2 कंपेरिजन किए थे हमने 18 के लिए। उसके बाद अभी 22 के लिए देखते हैं, 22 के लिए देखो कितने कंपेरिजन किए थे हमने, 22 के लिए पहले देखो 0, 1, 2, 3, इसका मतलब है 1 कंपेरिजन, 2, 3 एंड 4, 4 कंपेरिजन किए थे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन अगर पूछते आपको एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन
इज इक्वल टू, तो क्या आएगा उसका आंसर, क्योंकि इनके एडिशन करेंगे 1 + 1 + 3 + 4 + 1 + 2, तो क्या आएगा इसका आंसर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 कंपैरिजंस, समझ गए। एंड अगर एवरेज कॉस्ट अगर पूछे आपको, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछे, तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे हम, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अपने पास, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से उसको डिवाइड करेंगे हम, 12/6 मतलब 2, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, 2 आएगी, ठीक है, उसको उसको भी हम लिखते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंपैरिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या हो गया, टोटल कंपैरिजन कितने हो गए, 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो इसका एवरेज कॉस्ट कितने आ गई, 2 आ गई, समझ में आ गया। एंड उसके बाद एक लास्ट एक पॉइंट, इसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर अपने को लिखना है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो उसका सीक्वेंस अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके पहले के लेक्चर में भी वो हुआ है, देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या क्या है, जो यहाँ पे देखो जीरोथ पोजीशन पे कोई है क्या, तो नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डैश लिखेंगे, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे डैश लिखना है, फिर से फर्स्ट पोजीशन पे भी कोई नहीं तो यहाँ पे डैश लिखेंगे, उसके बाद 1, 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कौन है, 12 है, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद 92 है, उसके बाद 22 है, 22 के बाद देखो यहाँ पे एम्प्टी पोजीशन है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डैश दिखाएंगे, उसके बाद भी एम्प्टी पोजीशन है तो यहाँ पर भी डैश दिखाएंगे, उसके बाद है 78 एंड उसके बाद 18। आए समझ में ये टॉपिक, लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट था एक क्वेश्चन, ठीक है, तो अभी ऐसा एक क्वेश्चन है, अभी ये हमने विदाउट रिप्लेसमेंट देखा, अभी हम विथ रिप्लेसमेंट देखते हैं क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है क्या है, लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग विथ रिप्लेसमेंट, समझ में आ गया, लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग में, अभी हमने इसके पहले विदाउट रिप्लेसमेंट देखा था, अभी हम क्या देखने वाले, विथ रिप्लेसमेंट देखने वाले, देखो ये इंपॉर्टेंट है विथ रिप्लेसमेंट, अब विथ रिप्लेसमेंट इस टॉपिक में 3 सब टॉपिक रहते, सपोज 3 केसेस रहते, इसका 3 केसेस रहते, तो पहली केस क्या रहते, हैश्ड एलिमेंट, हैश्ड इंडेक्स कह सकते, हैश्ड इंडेक्स इज एम्प्टी, अगर अपने को कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे देखो मैं साइड में आपको दिखाता हूँ ये क्या है, देखो हमने क्या किया, साइज ऑफ द हैश टेबल 10 ले लिए सपोज, ठीक है, साइज ऑफ द हैश टेबल 10 लेते, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है ना, साइज ऑफ द हैश टेबल हमने ले ली। अभी यहाँ पे चेनिंग का भी कॉलम रहेगा, तो यहाँ पे पहले की एंड यहाँ पे चेन, चेनिंग पहले क्या रहेगा, माइनस वन का मतलब रहता है पहले एंड ऑफ द चेन, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे चेनिंग। अभी देखो फर्स्ट केस क्या रहते, सपोज अपने को यहाँ पे 12 एलिमेंट इंसर्ट करना है, 12 एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे एच ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 mod 10, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है तो वो फॉर्मूला भी सेम ही रहता है, डिवीजन मेथड का ही फॉर्मूला रहता है यहाँ पर भी, एंड जब कोलिजन ऑकर होती है तो भी वो फॉर्मूला अपना सेम ही, तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिखता हूँ मैं डिवीजन मेथड का, एच ऑफ की इज इक्वल्स टू की मॉड एम, ठीक है ना, ये क्या है अपना, ये डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है, एंड इफ कोलिजन ऑकर्स अगर कोलिजन होता है तो फॉर्मूला क्या रहता है अपना, एल ऑफ की कॉमा आई इज इक्वल्स टू एच ऑफ की प्लस आई मॉड एम, ये फॉर्मूला रहता है अगर कोलिजन होता है तो, एंड आई की रेंज पता है आपको, आई इज फ्रॉम 0 to m-1, सेम फॉर्मूला है लीनियर प्रोबिंग में। अभी देखो ये 12 इंसर्ट करना है अपने को, तो अभी हमने क्या किया, एच ऑफ 12 इज इक्वल 12 mod 10, तो क्या आया आंसर, तो क्या आया इसका आंसर,
टू आ गए, ठीक है, रिमाइंडर टू है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले, 12 रखने वाले, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये केस है। देखो पहली, अगर वो जो एलिमेंट अपने को इंसर्ट करना है वो पोजीशन, अगर वो हैश्ड इंडेक्स, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, हैश्ड इंडेक्स कहते हैं। हैश्ड इंडेक्स कितनी है, 2 है, तो सेकंड इंडेक्स क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है, तो हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड केस है, सेकंड केस क्या रहती है, केस नंबर 2, अगर हैश्ड इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विथ डिफरेंट सिनोनिम, ऐसे कहें विथ डिफरेंट सिनोनिम। देखो इसका मतलब आपको समझ में आएगा क्या है, अगर हैश्ड इंडेक्स पे एक समथिंग एक एलिमेंट है जो लेकिन वो डिफरेंट सिनोनिम का है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कीज क्या क्या है अपने पास, ऐसे समझो कि अपने पास 12 कीज थी, उसका सेकंड की थी अपने पास थी यहाँ पे सपोज हम लेते हैं 13, उसके बाद लेते हैं एक बार, देखो इसके पहले हम क्या करेंगे, उसका 22 एक एलिमेंट लेते, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये केस देखते हैं हम पहले, उसके बाद ये केस देखेंगे, तो आपको मतलब एक ही एग्जांपल में हम तीन केस एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखो 22 एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो ये केस थोड़ी सी चेंज करते हैं, हम हैश्ड इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विथ सेम सिनोनिम करते हैं, विथ सेम सिनोनिम, ये डिफरेंट सिनोनिम का केस नंबर 3 में देखते हैं। अभी देखो क्या लिखा है हमने, अभी अपने को 22 एलिमेंट इंसर्ट करना है, पहले हमने 12 एलिमेंट इंसर्ट किया था, अभी 22 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एच ऑफ 22 इज इक्वल टू 22 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर, 2 आता है। अभी देखो 2 सेकंड इंडेक्स पे, लेकिन सेकंड इंडेक्स पे तो ऑलरेडी समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, वो सेम सिनोनिम का है। सेम सिनोनिम का मतलब क्या रहता है, दोनों का रिमाइंडर, दोनों को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर एक ही फैमिली के, मतलब वो मतलब उनका रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। देखो यहाँ पे अगर 22 इंसर्ट करना है सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे गए, सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट, 12 का भी रिमाइंडर क्या रहता है, 12 को भी 10 से डिवाइड किया तो 2 आता है रिमाइंडर, एंड 22 को भी अगर 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता है, मतलब ये दोनों एक ही फैमिली के हो गए, एक सिनोनिम हो गए, सिनोनिम नंबर्स हो गए। तो अगर हैश्ड इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विथ सेम सिनोनिम अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, हम लीनियरली इस 22 को इंसर्ट करेंगे, हम इसी पोजीशन पे इंसर्ट नहीं करेंगे, हम लीनियरली देखेंगे, जैसे हमने अभी तक देखा था हमने, तो लीनियरली देखो यहाँ पे अगर कोलिजन हुआ तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे ये लॉ 22,0 इज इक्वल्स टू एच ऑफ की कितना आया अपना, 2 आया, 2 प्लस आई की वैल्यू पहले 0 है मॉड 10, क्या है इसका आंसर, 2 आएगा, सेकंड इंडेक्स फुल्ड है, तो हम ये क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, 22,1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर, 3 आया, थर्ड इंडेक्स खाली है, क्या खाली है देखा, तो यहाँ पे मतलब 22 हम एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, समझ में, अगर सेम सिनोनिम है तो हम क्या करेंगे, लीनियरली सर्च करेंगे कि वो एलिमेंट हम कहाँ पे रख सकते हो इसे। अभी देखो ये यहाँ पे चेनिंग देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो ये 22 का रिमाइंडर भी क्या है, 2 है, तो सेकंड इंडेक्स से चेनिंग चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे -1 है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 का इंडेक्स क्या है अभी, 3 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है, इंडेक्स पोजिशन वहाँ पे देंगे, समझ में आपको क्या क्या, हमने चेनिंग कैसे दिया, लीनियरली सर्च किया पहले, एंड उसके बाद वो एलिमेंट वहाँ पे इंसर्ट किया, एंड उसकी चेनिंग हमने ऐड किया। अभी एक केस थी, अभी थर्ड केस क्या रहेगी, अभी तो देखो केस नंबर 3, थर्ड केस, अभी देखो हैश्ड इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विथ डिफरेंट सिनोनिम लेंगे, अभी विथ डिफरेंट सिनोनिम, इसका मतलब क्या है, देखो अभी सपोज अपने को यहाँ पे 22 था ना, अभी सपोज 13 एलिमेंट इंसर्ट करना है, नहीं तो 73 एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो अलग नंबर लेते, ठीक है, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 73 है, तो 73 अगर इंसर्ट करना है अपने को तो कैसे करेंगे हम, देखो अभी पहले एच ऑफ 73 फाइंड आउट करेंगे हम, एच ऑफ 73 इज इक्वल टू 73 मॉड 10, तो 73 मॉड 10 का आंसर क्या आता है, 3 आता है। अभी देखो थर्ड इंडेक्स पे इसको रखना है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कोलिजन हुआ, लेकिन ये कोलिजन कैसे हुआ, देखो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा है वो देखना पड़ता है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, 22 है, एंड 22 का रिमाइंडर क्या रहता है, 2 रहता है,
मतलब 22 को 2 से डिवाइड 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता है, एंड 73 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आता है। मतलब ये डिफरेंट फैमिली के, ये डिफरेंट सिनोनिम के नंबर है, ठीक है। 73 अलग कैटेगरी का नंबर है, 22 अलग कैटेगरी का नंबर है। तो ये अपनी केस नंबर 3 है। अगर हैश ट्री इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विथ डिफरेंट सिनोनिम, तो ये डिफरेंट सिनोनिम का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, देन हम उसको नंबर को डिलीट करेंगे, हम देन डिलीट दैट नंबर, डिलीट दैट नंबर एंड एड लीनियरली, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इस 22 को, ठीक है ना, इस 22 को यहाँ से हम डिलीट करेंगे हम, एंड अपना जो एलिमेंट था कौन सा, 73 था, वो 73 यहाँ पे ऐड करेंगे हम, इसे 73 क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे 22 हमने डिलीट किया है, यहाँ पे 22 था वो डिलीट किया, यहाँ पे क्या ऐड किया, 73 ऐड किया, एंड अभी इस 22 को हमने डिलीट किया तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना। तो 22 को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, तो हम लीनियरली उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोलिजन होता है, तो L of 22 कॉमा 0 से स्टार्ट करेंगे हम। देखो L of 22, 0 इज इक्वल टू क्या आता है इसका आंसर, देखो H of 22 क्या है, 2 है, 2 + 0 mod 10, तो क्या आता है इसका आंसर, 2 आता है। देखो सेकंड इंडेक्स तो फील्ड ऑलरेडी, L of 22, 1। देखो हम जब भी हम कोलिजन होता है, अभी 22 को रखना है तो वापस आई की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करेंगे हम। किसी को लगेगा कि अब इसके आगे देखो रखना है तो इसके आगे ऐसे नहीं रहता, फिर से हम क्या करेंगे, कोलिजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड उसमें आई की वैल्यू क्या रहती है, फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी आई की वैल्यू 0 ले लिया हमने, 2 आ गया, 2 इंडेक्स फील्ड है, तो आई की वैल्यू 1 की हमने, तो 2 + 1 mod 10, तो क्या है इसका आंसर, 3 आ गया। थर्ड इंडेक्स भी क्या है यहाँ पे, वहाँ पर भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, अभी हमने रिप्लेस किया ना, 73 रखा वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, L of 22, 2 करेंगे हम, तो 2 + 2 mod 10, तो क्या है इसका आंसर, 4 आ गया। तो फोर्थ इंडेक्स खाली है क्या, तो फोर्थ इंडेक्स खाली है, तो ये 22 एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम, फोर्थ पोजीशन पे। अभी इसका इसकी चेनिंग भी अपने को चेंज करनी पड़ेगी, पहले 22 की चेनिंग कहाँ पे थी, देखो यहाँ पे थी थर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे थी, तो ये चेंज करनी पड़ेगी, एंड अभी 22 कहाँ पे गया, फोर्थ पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। आया समझ में, जो पहले चेनिंग थी वो भी चेन क्या करनी पड़ती है, अपने को चेंज करनी पड़ती है इसे। आ गया समझ में आपको, ये कैसे था, 3 केसेस देखे हमने इसी एक एग्जांपल में। पहली केस क्या रही थी, अगर हैश इंडेक्स एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट फिल करेंगे। अब दूसरी केस क्या रखी हमने, अगर हैश इंडेक्स कंटेन सम एलिमेंट विथ सेम सिनोनिम, अगर सेम सिनोनिम का एलिमेंट था यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपने को 22 इंसर्ट करना था एंड यहाँ पे 12 था, तो सेम सिनोनिम के थे, तो हमने उसको 12 को डिलीट नहीं किया था, हमने लीनियरली पोजीशन फाइंड आउट की, तो 22 यहाँ पे ये पोजीशन एम्प्टी मिली, तो हमने 22 वहाँ पे रखा। उसके बाद अपनी केस 3, अपने को अभी इससे क्या रखना था, यहाँ पे 73 रखना था, तो यहाँ पे देखो 73 का रिमाइंडर 3 आया। केस 3 क्या है, हैश इंडेक्स कंटेंस एलिमेंट विद डिफरेंट सिनोनिम, अगर डिफरेंट सिनोनिम, देखो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे रखना है ना इसको, लेकिन थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 22 था पहले, लेकिन 22 क्या है, डिफरेंट सिनोनिम का है, तो अगर डिफरेंट सिनोनिम का है तो उसको हम डिलीट करेंगे, यानी अपना जो नंबर है 73 वो यहाँ पे रखेंगे। अभी जिस नंबर को हमने डिलीट किया उसको क्या करेंगे हम, लीनियरली देखेंगे यहाँ पे, अगर जो जहाँ पर भी एम्प्टी स्पेस मिलेगी वहाँ पे वो एलिमेंट रखेंगे हम। आया समझ में कैसे रहता है। अभी देखो बाकी के यहाँ पे देखो, प्रोबिंग वगैरह इसका सेम, उसको कितना टाइम लगा वो जिसके पहले एग्जांपल में देखा वही सेम एज इट इज़ है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे डैश डैश दिखाएंगे, उसके बाद 12, 73, 22, उसके बाद डैश 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 ऐसे लिखेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन भी आप निकाल सकते हो। समझ में आ गए, विथ रिप्लेसमेंट कैसे रहता था, चेनिंग विथ रिप्लेसमेंट। अभी देखो इसके आगे का पॉइंट देखते हैं हम। देखो ये लीनियर प्रोबिंग में कि जो टाइप्स थे वो अब अपने हो गए, लीनियर प्रोबिंग विदाउट चेनिंग हो गया, ठीक है, इसके पहले हमने देखा था लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग में दो टाइप थे, एक विदाउट रिप्लेसमेंट था एंड दूसरा क्या था, विथ रिप्लेसमेंट था, वो भी अपना हो गया। अभी देखो ओपन एड्रेसिंग में और एक कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक रहती है, कौन सी रहती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग रहती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। देखो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, देखो इसका फॉर्मूला क्या है वो पहले लिख के लेते। देखो डिवीजन मेथड का फॉर्मूला वही है, एच ऑफ की इज इक्वल्स टू की मॉडियम, ठीक है ना, ये डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है।
क्वेरी हम क्या है, ओएमएम का मतलब क्या है, साइज ऑफ द हैश टेबल। अगर इफ कोलिजन होता है, इफ कोलिजन ऑकर्स, अगर कोलिजन होता है तो हम क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में, देखो फॉर्मूला क्यू ऑफ की कॉमा आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एच ऑफ की प्लस आई स्क्वेयर मॉडियम। आया समझ में? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है लीनियर प्रोबिंग में। लीनियर प्रोबिंग में इस पोजीशन पे क्या था, सिर्फ आई था, एच ऑफ की प्लस आई मॉडियम। एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है, यहाँ पे आई स्क्वेयर है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में? तो हम इसी अभी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का एग्जाम्पल लेंगे। देखो अभी एक साइज ऑफ द हैश टेबल, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, टेन लेते। देखो इसमें अभी चेनिंग नहीं रहेगा क्योंकि वो सिर्फ लीनियर प्रोबिंग में रहता है चेनिंग, विदाउट चेनिंग विद चेनिंग वो वहाँ पर रहता है। जीरो वन टू, तो ये क्या हो गई, साइज ऑफ द हैश टेबल टेन, इंडेक्सिंग जीरो टू नाइन। आए समझिए, अभी देखो एलिमेंट्स अपने को रखने के यहाँ पे, तो कीज लेते हैं हम, कीज इज इक्वल टू सपोज लेते हैं हम यहाँ पे 74 लेते हैं, उसके बाद लेते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद लेते हैं 24, उसके बाद लेते हैं 14, उसके बाद लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे लेते हैं हम 6 एलिमेंट लेते हैं, एंड उसके बाद लेते हैं 91। ऐसे समझ, देखो अभी ठीक है इतना काफ़ी है। अभी देखो ये एलिमेंट यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करने के, तो पहले देखो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे हम, अगर वो एलिमेंट इंसर्ट कर पाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हम, अगर कोलिजन होता है तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो देखो चलो पहले हम क्या करते हैं, 74 रखते हैं हम, तो ये चॉप 74 इज इक्वल टू क्या है, 74 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर, इसका रिमाइंडर आता है 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे हम क्या रखने वाले, 74 रखने वाले। उसके बाद फिर से दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 24, तो ये चॉप 24 इज इक्वल टू 24 मॉड 10, तो क्या आता है इसका आंसर, 4। तो यहाँ पे कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्यू ऑफ 24 कम आई की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं हम, आई की रेंज क्या रहते हैं 0 से, तो यहाँ पे एच ऑफ की एच ऑफ 24 क्या है, हमने फाइंड आउट किया 4 प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे, आई का स्क्वायर ना, आई की वैल्यू क्या है अभी 0 है, तो 0 का स्क्वायर मॉड यम, यम का मतलब क्या है 10, तो क्या है इसका आंसर, देखो यहाँ पे 4 प्लस 0 स्क्वायर क्या है 0 मॉड 10, फिर से एक बार लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड यहाँ पे देखो 4 प्लस 0 क्या है 4, 4 मॉड 10 क्या आ गया 4 आ गया इसका आंसर। अभी फोर्थ पोजीशन क्या है, एम्प्टी नहीं है वहाँ पर भी कोई, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, तो क्यू ऑफ 24.1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 स्क्वायर मॉड 10, तो क्या आता है इसका आंसर, 1 स्क्वायर क्या है 1, 4 प्लस 1 क्या हुआ 5 मॉड 10 क्या आता है इसका आंसर 5। तो फिफ्थ पोजीशन देखो खाली है, देखो फिफ्थ पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम 24 यहाँ पे रखेंगे। आए समझ में? अभी देखो 14 रखना है, तो एच ऑफ 14 इज इक्वल टू 14 मॉड 10, तो क्या आता है इसका आंसर, यहाँ पर भी 4 आ गया रिमाइंडर, तो ये 4 रिमाइंडर यहाँ पे गया है फील्ड, मतलब यहाँ पे क्या है कोलिजन हो गया। फिर से हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, देखो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या है, 14.0 इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस 0 स्क्वायर मॉड 10, तो 4 प्लस 0, 0 स्क्वायर क्या है 0, 4 प्लस 0 4, 4 मॉड 10 4 आता है इसका आंसर। तो फोर्थ पोजीशन फील्ड है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 14.1, तो 4 प्लस 1 स्क्वायर क्या आता है इसका आंसर मॉड 10, 1 स्क्वायर क्या है 1, 4 प्लस 1 5 होगा, 5 मॉड 10 5। तो देखो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन भी क्या है, मतलब वहाँ पर भी समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 स्क्वायर हो गया अब, ठीक है ना, आई का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर मॉड 10, तो क्या आता है इसका आंसर, देखो 2 स्क्वायर क्या है 4 है, 4 प्लस 4 क्या है 8, 8 मॉड 10, तो क्या आ गया इसका आंसर 8 आ गया। तो 8th पोजीशन खाली है क्या, देखो तो 8th पोजीशन खाली है, तो हम क्या करेंगे ये 14 एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे। अभी एक बात देखो, यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग में कुछ ड्रॉबैक्स थे,
वो यहाँ पे ओवरकम हुए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। यहाँ पे क्या ओवरकम हुआ है देखो, कभी कभी कैसे रहते हैं, देखो ऐसे सीक्वेंस रहते हैं, ठीक है ना। देखो लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, सब एक ही टाइप के एलिमेंट है तो हम यहाँ पे ऐसे लीनियरली वो कोई पोजिशन एम्प्टी है क्या वो देखने जाते। सपोज एलिमेंट ऐसे 22, 12, 2, 72, 92, 32 ऐसा एलिमेंट है एंड उसके बाद समथिंग दूसरा कोई थ्री एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट क्या होते हैं, सबका रिमाइंडर सेम ही है 2 यहाँ तक 32 तक, तो वो एलिमेंट सब एक के नीचे एक रखने पड़ते, तो ऐसे एक पोजिशन ऐसे ढूंढनी पड़ती है अपने को यहाँ पे खाली एक आने। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये पोजिशन आएगा 22 सेकंड पे, इसके बाद ये थर्ड पे आएगा लीनियर प्रोबिंग से, उसके बाद ये आगे आगे ऐसे ऐसे आएगा। तो जो एम्प्टी स्पेस ढूंढने के लिए तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम अगर है प्रेजेंट है किसी डेटा में, हो सकता है ऐसे डेटा, ठीक है, ऐसे डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, सबका रिमाइंडर एक ही आता है, तो अगर ऐसे क्लस्टर बनता है तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर करते हैं ना क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में, तो आई स्क्वायर से क्या होता है, देखो 2 स्क्वायर डायरेक्टली हमने ये पोजीशन नहीं देखी क्योंकि उसने अज्यूम किया कि यहाँ पर भी समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, क्लस्टर रहेगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम आगे जाएंगे। अभी इसके बाद सपोज यहाँ पर भी समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट रहता तो इसके बाद क्या था, 14.3 आई की वैल्यू 3 हो जाती, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9+4 मतलब यहाँ पे ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में हम आगे आगे जाते, आए समझ में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्लस्टरिंग का जो यहाँ पे ड्रॉबैक था लीनियर प्रोबिंग में वो यहाँ पे ओवरकम होता है, ठीक है। एंड लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में या आई स्क्वायर की वजह से कोई कोई अपने को एम्प्टी स्पेस मिलती ना, मतलब एम्प्टी स्पेस रहती है लेकिन वो इंडेक्स यहाँ पे फॉर्मूले से आता ही नहीं, उस इंडेक्स में हम जाते ही नहीं, कभी स्पेसेस तो एम्प्टी रहती है लेकिन वो इंडेक्स वैल्यू कभी आती नहीं है, क्योंकि आई स्क्वायर लीनियर में कैसे रहता है, आई स्क्वायर नहीं रहता ना, तो एक एक पोजीशन हम चेक करते जाते, लेकिन क्वाड्रेटिक में स्क्वायर रहता है ना, तो हम डायरेक्टली हम जंप करते आगे आगे ऐसे, तो कोई पोजीशन क्या होती है, स्किप होती है, तो पोजीशन एम्प्टी रहती है लेकिन वहाँ पे हम एलिमेंट नहीं रख सकते क्योंकि वो इंडेक्स वैल्यू आती नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक टाइप का ड्रॉबैक है। आया समझ में क्या था क्लस्टरिंग कंसेप्ट क्या थी, एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कैसे करना है, सेम है देखो लीनियर प्रोबिंग जैसा, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आई की जगह पे आई स्क्वायर है, एंड प्रोबिंग क्या अपना वही है। देखो यहाँ पे सपोज इसको प्रोबिंग कितना टाइम लगेगा, कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये कीज है, यहाँ पे प्रोब्स है, देखो यहाँ पे 74 रखने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ पे 74 mod 10 हमने एक ही पोजीशन पर रख दिया, यहाँ पे इसके एक कंपेरिजन किया हमने। 24 रखने के लिए कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे, 2 कंपेरिजन करने पड़ेंगे, पहले यहाँ पे चेक किया उसके बाद यहाँ पे चेक किया। 14 रखने के लिए क्या किया हमने, देखो 14 रखने के लिए कितने कंपेरिजन किए, 1, 2 and 3 कंपेरिजन किए, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। उसके बाद देखो अभी 6 रखना है, ठीक है, आगे का एलिमेंट लेते हैं 14 के आगे का 6 एलिमेंट लेते हैं, तो 6 एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, एच ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 mod 10 क्या आएगा आंसर, 6 आएगा इसका आंसर, तो 6 पोजीशन एम्प्टी है, तो 6 पोजीशन पे आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको कंपेरिजन कितना है, एक ही टाइम लगा। उसके बाद 91 रखते हैं, तो एच ऑफ 91 देखो कोलिजन नहीं हुआ तो इसी फॉर्मूले से हम रखेंगे हम डिविजन मेथड से, 91 mod 10 तो क्या आता है इसका आंसर, 1 आता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 91 रखेंगे। इसको भी क्या है, कितना टाइम लगा, 1 ही टाइम लगा, समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हो जाएंगे, देखो इन सब की एडिशन करेंगे, एंड अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसकी एडिशन करेंगे एंड उसको कितने क्या डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है ना, 5 से डिवाइड करेंगे उसको, तो ये क्या हो गई एवरेज कॉस्ट आ जाएंगी। एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर लिखना है तो यहाँ पे देखो -91 ठीक है, अगर वो भी एक बार सॉल्व करना है तो वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ पे टोटल टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन क्या है, 1+1+2+1+3 ठीक है ना, मतलब 4, 6, 7, 8 आए समझ में आया। इसके ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू देखो डैश उसके बाद 91 उसके बाद डैश उसके बाद डैश उसके बाद 74, 24, 6, -14 आए समझ में। तो ऐसे क्या लिखते हैं हम, उसकी ऑर्डर लिखते हैं, समझे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है, सिंपल है। देखो अभी तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, और एक ओपन एड्रेसिंग में और एक रिजोल्यूशन टेक्निक थी, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, वो थी डबल हैशिंग थी, वो क्या थी, डबल हैशिंग। देखो डबल हैशिंग नाम में है ना, डबल डबल फंक्शन यूज़ करना है अपने को, दो दो फंक्शन यूज़ करने के, कोई भी डेटा इंसर्ट करने के लिए,
तो वो क्या है डबल हैशिंग टेक्निक वो देखते हैं। देखो पहली पहले हैशिंग फंक्शन तो क्या रहते हैं अपना डिवीजन मेथड रहते की मॉडियम, ठीक है, ये पहला हैशिंग फंक्शन है। एंड दूसरा हैशिंग फंक्शन आप कौन सा भी ले सकते, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है कि दूसरा हैशिंग फंक्शन कौन सा लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आप अपने मन से एक हैशिंग फंक्शन बना सकते हो। तो देखो एच ऑफ एच टू ऑफ की इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन माइनस की मॉड एन, ऐसा एक हैशिंग फंक्शन लेते हैं। देखो यहाँ पे फेयर यम क्या है, यम क्या था यहाँ पर साइज ऑफ द हैश टेबल, ठीक है ना, यहाँ पे यम था साइज ऑफ हैश टेबल, साइज ऑफ हैश टेबल। एंड यहाँ पे भी एन क्या है, एन देखो एन क्या है फेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ की एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ की एलिमेंट्स कितने वो क्या रहता है अपना एन रहता है, ठीक है। ऐसा एक फॉर्मूला हमने एक हैश फंक्शन हमने बनाए। अभी देखो ये दो हैश फंक्शन हो गए एंड अगर कोलिजन होता है, ठीक है, अगर कोलिजन होता है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखो देखो कोलिजन होता है तो हम ये सेकंड हैश फंक्शन यूज करेंगे हम। देखो अगर इस पहला जो हैश फंक्शन है अपना डिवीजन मेथड से, अगर ये पहले इसे सॉल्व करेंगे हम, कोलिजन नहीं हुआ तो डायरेक्टली वहाँ पे हम वो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। एंड अगर कोलिजन होता है तभी हम दूसरे हैश फंक्शन का यूज करेंगे हम, इफ कोलिजन ऑकर्स तभी दूसरा हैश फंक्शन यूज करेंगे। एंड इसमें और एक फंक्शन रहता है, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी डबल हैशिंग है ना तो डी लिखते हैं यहाँ पे, डी की कॉमा आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है अपना, एच वन ऑफ की प्लस एच टू ऑफ की इन टू आई मॉडियम, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। समझ में आया, देखो अगर कोलिजन नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम डिवीजन मेथड से वो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। एंड अगर कोलिजन होता है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सेकंड हैश फंक्शन भी यूज करेंगे एंड ये फॉर्मूला भी अपने को सॉल्व करना है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या है। यहाँ पर भी देखो साइज ऑफ द हैश टेबल कितना लेंगे हम, 10 ही लेंगे। एक ऐसा हैश टेबल बनाते हैं हम, इसकी साइज रहेगी 10। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है, साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी है, 10। अभी की एलिमेंट देखते हैं हम क्या है। पहले देखो किस जो एलिमेंट अपने को इंसर्ट करना है, सपोज अपने पास 52 है, उसके बाद यहाँ पर लेते हैं हम 73 लेते हैं, उसके बाद लेते हैं 12 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लेते हैं 68, उसके बाद लेते हैं 91 उसके बाद एक कोलिजन वाला एक लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद लेते हैं यहाँ पे 13 लेते हैं, मतलब कोलिजन होना हो जाएगा। अभी देखो ये एलिमेंट्स की एलिमेंट्स यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करने के एंड फॉर्मूला देखो आपके सामने है, डबल हैशिंग मेथड का यूज़ करना है। तो चलो पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 52, तो पहले कौन से डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे हम, एच वन ऑफ की इज इक्वल्स टू की मॉड यम एंड यम साइज ऑफ द हैश टेबल कितने लिए हमने यहाँ पे 10 ले लिए। तो एच वन ऑफ की क्या है अपने 52, तो 52 इज इक्वल्स टू 52 मॉड 10, तो क्या आता है इसका आंसर आता है 2 आता है। तो सेकंड इंडेक्स पे देखो, देखो आप सेकंड इंडेक्स खाली है क्या, सेकंड इंडेक्स खाली है तो डायरेक्टली 52 एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे। देखो आया समझ में ना, हमने देखो यहाँ पे सेकंड हैश फंक्शन का भी यूज़ नहीं किया इन्हें दूसरे फंक्शन का भी इस फॉर्मूले का भी यूज़ नहीं किया। ये यहाँ पे कब जाना है आपको, जब कोलिजन होगा तभी हम क्या करेंगे, सेकंड हैश फंक्शन भी सॉल्व करेंगे हम एंड उसके बाद क्या करेंगे कोलिजन का ये फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अभी देखो 52 हमने रखा, उसके बाद रखते हैं 73, नेक्स्ट एलिमेंट है 73, तो एच वन ऑफ 73 इज इक्वल्स टू 73 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा 3। तो थर्ड इंडेक्स खाली है क्या, जो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स खाली है तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हम क्या रखेंगे 73 रखेंगे हम, आए समझो। अभी हम 12 रखेंगे हम, देखो यहाँ पे एच वन ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 12 मॉड 10, तो क्या है इसका आंसर 2 आएगा रिमाइंडर। तो सेकंड इंडेक्स यहाँ पे खाली है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे कोलिजन हुआ तो हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच टू ऑफ की, तो यहाँ पे एच टू ऑफ 12 फाइंड आउट करेंगे, सेकंड हैश फंक्शन हम सॉल्व करेंगे,
एच टू ऑफ 12 इज इक्वल्स टू एच टू ऑफ, यहाँ पे देखो सेकंड हैश फंक्शन क्या है, एक बार आपको अगर हैश फंक्शन लिखना है तो फिर से एक बार लिख सकते हो आप, एच टू ऑफ की इज इक्वल्स टू क्या है, एन माइनस की मॉड एन, ऐसा है देखो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक वैल्यूज रखते हैं, तो h2 of 12 इज इक्वल टू क्या, n की वैल्यू क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, टोटल कीज एलिमेंट क्या है वो, उसका मतलब क्या रहता है, n रहता है, तो वो क्या है 5 है, तो 5 माइनस की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 mod 5, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, हम देखो 5 माइनस 12 mod 5 क्या है, 12 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आता है 2, तो 5 माइनस 2 का आंसर क्या आता है फिर 3 आता है, तो h2 of 12 भी हमने फाइंड आउट किया, h1 of 12 भी है अपने पास, तो अभी ये कोलिजन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम देखो क्या है फॉर्मूला, डी ऑफ देखो ये फॉर्मूला है कि क्या है 12 है, 12, i की वैल्यू पहले क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं, 12, 0 इज इक्वल्स टू h1 की प्लस h2 की, तो यहाँ पे h1 की क्या है, h1 ऑफ की देखो h1 ऑफ 12 क्या है 2 है, 2 प्लस h2 ऑफ की क्या है, h2 ऑफ 12 क्या है अपने पास 3 है, 3 इंटू आई की वैल्यू क्या ले ली हमने पहले 0 ले ली है, 0 mod 10, तो ये क्या आ गया इसका आंसर, देखो 2 प्लस 3 इंटू 0 क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, एंड मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा 2 प्लस 0 2 2 mod 10 आ गया 2। तो सेकंड इंडेक्स खाली है क्या, देखो तो देखो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स खाली नहीं है, वहाँ पे समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी अपने को, तो यहाँ पे क्या होगा डी ऑफ 12, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या करेंगे 1 करेंगे हम, तो डी ऑफ 12, 1 इज इक्वल्स टू h1 ऑफ की क्या है अपने पास, h1 ऑफ 12 2 है प्लस h2 ऑफ 12 क्या आ गया 3 आ गया, 3 इंटू आई की वैल्यू अभी 1 की हमने मॉड ऑफ 10, तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 प्लस 3 mod 10, 2 प्लस 3 क्या है 5 5 mod 10 आ गया 5। तो फिफ्थ इंडेक्स खाली है क्या, देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स खाली है, तो इसका मतलब ये 12 एलिमेंट हम कहाँ पे रखेंगे, फिफ्थ इंडेक्स पे रखेंगे। आया समझ में, आपको लगा होगा कि लीनियरली अगर 12 इंडेक्स पहले हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे पोजीशन खाली नहीं है तो यहाँ पे चेक होना चाहिए उसके आगे, ठीक है ना, ये पोजीशन चेक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहता, ये फास्ट इंसर्टिंग टेक्निक है। देखो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग का ड्रॉबैक ही हमने इन्होंने ओवरकम किया है ना, ठीक है, इसलिए हम क्या कहाँ पे गए डायरेक्टली फिफ्थ इंडेक्स पे गए, फिफ्थ इंडेक्स पे हमने 12 एलिमेंट रख दिया। अभी नेक्स्ट एलिमेंट रखना है अपने को 68 रखना है, तो पहला फंक्शन यूज़ करेंगे हम h1 of 68, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम, तो 68 mod 10, तो क्या आता है इसका आंसर 8 आता है, तो 8th पोजिशन पर क्या रखेंगे हम, वो एलिमेंट रखेंगे हम खाली है। तो अभी 13 एलिमेंट रखना है, ठीक है, h of 13, तो h1 of 13 इज इक्वल्स टू 13 mod 10, तो क्या आंसर आता है 3 आता है, लेकिन थर्ड पोजीशन क्या एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे समथिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो हम क्या करेंगे अभी देखो सेकंड फार्मूला भी यूज़ करेंगे हम, तो h2 of 13 इज इक्वल्स टू सेकंड फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने h2 of की इज इक्वल टू n माइनस की मॉड n, एंड n क्या है अपना 5 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, 5 माइनस की वैल्यू क्या है 13 है, 13 mod, एंड n की वैल्यू क्या है 5 है, तो देखो एंड उसके बाद हाँ ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे 5 mod 5 माइनस 13 mod 5, 13 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है, तो 5 माइनस 3 क्या हुआ 2 हुआ, समझ आया, अभी देखो हमने हमारे पास h1 of 13 भी है, h2 of 13 भी है, अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कोलिजन का, आई की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो डी ऑफ 13, 0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहता है h1 of 13 क्या है 3 प्लस h2 of 13 क्या आ गया 2, ठीक है ना, h2 of 13 2 इंटू आई की वैल्यू क्या ले ली पहले हमने 0 mod 10, तो इसका आंसर क्या आता है 3 प्लस 2 इंटू 0 क्या आता है 0 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 3 mod 10 क्या आता है इसका आंसर 3 आता है। तो थर्ड पोजीशन भी क्या है यहाँ पे खाली है, चेक करो, देखो थर्ड पोजीशन भी यहाँ पे फिल्ड है तो हम वहाँ पे नहीं रख सकते, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं 13, 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1 mod 10, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या है 2,
3 प्लस टू 5, 5 मोड 10 क्या आ गया इसका 5 आ गया। तो फिफ्थ पोजीशन खाली है, देखो एक बार, तो यहाँ पे देखो फिफ्थ पोजीशन भी खाली नहीं, वहाँ पर भी समथिंग 11 प्रेजेंट है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे उसको 13.2 करेंगे, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 मॉड 10, तो क्या आएगा इसका आंसर 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 मॉड 10 आ गया 7। तो 7 पोजीशन खाली है क्या देखो अभी, तो 7 पोजीशन देखो खाली है यहाँ पे, तो 7 पोजीशन खाली है, ये 13 एलिमेंट कहाँ पर रखेंगे हम, 7th पोजीशन पर रखेंगे। आगे समझ में कैसे रहता है डबल हैशिंग, अगर कोलिजन हुआ तो भी हम क्या करेंगे सेकंड हैश फंक्शन सॉल्व करेंगे एंड वो कोलिजन का फॉर्मूला हम वो भी सॉल्व करेंगे हम। आए समझ, देखो सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे देखो एक कीज हमने रखी, यहाँ पर भी देखो हम प्रोबिंग रख सकते हैं, मतलब कितना टाइम लगा, कितने कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे इसको रखने के लिए, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते प्रोब्स। तो देखो अभी 52 को रखने के लिए कितना टाइम लगा था, 52 को हम एक ही कंपैरिजन में रखा था, 73 को भी क्या किया था हमने, देखो अब 73 को भी एक ही कंपैरिजन में रखा था। अभी जब 12 रखा था, 12 के लिए कोलिजन हुआ था, तो 12 के लिए हमने कितने कंपैरिजन किए थे, देखो आई किसे समझ में आते हैं, आई इज इक्वल टू 0 पे नहीं रखा था हमने, फिर आई इज इक्वल टू 1 किया था, तो आई इज इक्वल टू 1 पे हमने रखा था, मतलब दो कंपैरिजन किए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे 12 के लिए दो कंपैरिजन किए, 13 के लिए कितने कंपैरिजन किए हमने, देखो 13 के लिए यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब यहाँ पे 13 के लिए हमने 3 कंपैरिजन किए थे। 68 के लिए कितने कंपैरिजन किए थे हमने, देखो 68 के लिए 68 एक ही पोजीशन पे हमने कंपैरिजन में रखा था, तो उसका कंपैरिजन हो गया 1। तो आया समझ में, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन एक बार फिर से फाइंड आउट करते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, नहीं तो उसको टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, क्या है 1 + 1 + 2 + 3 + 1, तो क्या आंसर इसका 2, 4, 7 एंड 8। ऐसा अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो 8 / 1, 2, 3, 4, 5 8 / 5 किया तो आपको एवरेज मिलेगा। एवरेज मतलब क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर क्या है 5 है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स देखो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है देखो, पहले क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब डैश, उसके बाद 52, 73, -12, फिर से यहाँ पे डैश है, उसके बाद फिर से 13 है, 68 है, फिर से डैश। आया समझ में क्या था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखते हैं, अभी वो भी आपको पता है। समझ में आया डबल हैशिंग में क्या था, देखो यहाँ पे पहले इस डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर कोलिजन नहीं हुआ तो वो एलिमेंट डायरेक्टली वहाँ पे इंसर्ट करेंगे अगर एम्प्टी पोजीशन रहेगी तो, एंड अगर कोलिजन होता है तो फिर सेकंड हैश फंक्शन भी सॉल्व करेंगे एंड ये कोलिजन का फॉर्मूला भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। देखो आज हम एक नई कंसेप्ट देखने वाले, रीहैशिंग। देखो रीहैशिंग का मतलब क्या रहता है, अगर अपना हैश टेबल 70-80% अगर फुल होता है तो, मतलब यहाँ पे नियर अबाउट वो 100% अगर फुल होता है हैश टेबल, तो उसकी हैश टेबल की साइज इंक्रीज करनी रहती है, तो उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, रीहैशिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से हम उस हैश टेबल की साइज इंक्रीज करते हैं, फिर साइज बढ़ाते हैं हैश टेबल की, तो उसी को क्या कहते हैं हम, रीहैशिंग कहते हैं। तो उसको एक एक कंसेप्ट रहते हैं, देखो यहाँ पे लोड फैक्टर, मतलब ये समझ में कैसे आता है कि फिर ये फुल हुआ है हैश टेबल, फुल हुआ है वो कैसे समझ में आता है, लोड फैक्टर से समझ में आता है। तो लोड फैक्टर की डेफिनेशन क्या रहती है, देखो यहाँ पे लोड फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन साइज ऑफ हैश टेबल। अभी देखो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लोड फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, एंड साइज ऑफ द हैश टेबल अभी तक हम किससे डिनोट करते थे, यम से, ठीक है ना। यम मतलब क्या, साइज ऑफ द हैश टेबल, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन है, लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन है, इसका मतलब देखो यहाँ पे सपोज अपने पास कीज क्या है, टोटल एलिमेंट्स सपोज यहाँ पे हमने लिए 6, 7, 8, एंड साइज ऑफ द हैश टेबल भी हमने यहाँ पे कंसिडर की, यहाँ पे 3 साइज है उसकी, 0, 1, 2, मतलब 3 एलिमेंट इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर अपने को लैम्डा फाइंड आउट करना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर 3 है, एंड साइज ऑफ द हैश टेबल कितनी कंसिडर की हमने 3,
तो इसका लैम्डा, तो इसका लैम्डा इज इक्वल टू क्या वन आ गया, तो लैम्डा क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, इसका मतलब क्या है ये हैश टेबल फुल हुआ है। तो इसको क्या करना अपने अपने को रीहैशिंग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी साइज़ कैसे बढ़ाते, तो इसकी साइज़ बढ़ाते डबल से, ठीक है। अभी इस हैश टेबल की साइज़ बढ़ानी की है, फिर तो फिर कितनी बढ़ाएंगे हम, तो इसकी साइज़ करते हैं हम डबल द साइज ऑफ द हैश टेबल, मतलब जो अभी नई साइज आएगी हैश टेबल की उसको हम सब यम डैश कहते हैं। तो यम डैश क्या होगा, टू इंटू यम, यम मतलब जो अभी प्रीवियस साइज कितनी थी यहाँ पे थ्री थी, तो उससे डबल करेंगे, लेकिन टू इंटू यम यहाँ पे कितना होता है सिक्स होता है। देखो यहाँ पे टू इंटू यम मतलब थ्री, ठीक है, यम की साइज क्या है थ्री है, तो सिक्स हुआ है, ठीक है ना, सिक्स हुआ। लेकिन अभी हम साइज ऑफ द हैश टेबल नए जो हैश नया जो हैश टेबल बनाएंगे उसकी साइज हम सिक्स नहीं लेंगे हम, तो उसकी साइज हम क्या करेंगे नियरेस्ट प्राइम नंबर लेंगे ऑफ टू ऑफ यम, मतलब इस, अभी इसका आंसर क्या आ गया सिक्स आ गया ना, तो सिक्स के नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या है वो फाइंड आउट करेंगे हम एंड वो अपनी साइज लेंगे। तो ऐसा क्यों, क्या अभी वो मत दो हमें, देखो फाइंड नियरेस्ट प्राइम नंबर टू द वैल्यू टू इंटू यम, टू इंटू यम के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की अपने को। अभी टू इंटू यम हमने फाइंड आउट किया, टू इंटू यम क्या आ गया सिक्स आ गया, तो सिक्स के नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या है अपना सेवन है, ठीक है। तो अभी हम यम डैश की वैल्यू देयर फॉर यम डैश इज इक्वल टू क्या लेंगे हम सेवन लेंगे। तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर लेने का मतलब प्राइम नंबर ही क्यों लेते हैं हम, क्योंकि अगर हमने प्राइम नंबर लिया, देखो अभी हम जब इसका जो अब एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो किससे करेंगे इंसर्ट, हम एच ऑफ की डिवीजन मेथड से करते हैं ना, हम एच ऑफ की इज इक्वल टू की मॉड यम डिवीजन मेथड से करते हैं हम। तो अगर यहाँ पे यम अगर प्राइम नंबर रहता है तो यहाँ पे ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में। तो यहाँ पे मतलब कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व करो एंड अभी देखो यम हम क्या लेते हैं, पहले सिंपल लेते ना, टेन नंबर लेते तो सॉल्व करने के लिए सिंपल जाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी प्राइम नंबर लिया तो यहाँ पे कोलिजन कम हो जाते, ठीक है। तो इसलिए यम जो भी हम नई साइज लेंगे वो क्या लेंगे हम 2m के नज़दीक वाला एक नियरेस्ट प्राइम नंबर लेंगे हम, कौन सा, सपोज हमने 7 लिया यहाँ पे। तो अभी इसकी साइज़ क्या होगी, देखो अगर पहले सपोज अपने का डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करेंगे अपने डिवीजन मेथड से, तो ये चॉप 6, ये चॉप 6 क्या होगा 6 मॉड एंड साइज ऑफ द हैश टेबल क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो मतलब 0 पोजीशन पे हम 6 इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये चॉप 7 क्या आएगा 7 मॉड 3, तो आंसर आएगा 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे 7 इंसर्ट करेंगे। ये चॉप 8 इज इक्वल टू 8 मॉड 3, तो इसका आंसर आ गया 2, तो सेकंड पोजीशन पे 8 इंसर्ट करेंगे। समझ में आ गया, सब ऐसे इंसर्ट किया, लेकिन ये फुल हुआ ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को रिसाइज करना पड़ेगा। तो नई साइज़ क्या आ गई, देखो नई साइज़ हमने इसका 2 इंटू एम निकाला, पहले 2 इंटू एम 6 आया एंड उसका नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या है 7 है। तो अभी हमने नई साइज़ क्या हो गई अपनी यम डैश इज इक्वल टू 7 हो गई। अभी साइज चेंज हो गई तो अपने डिवीजन मेथड का फॉर्मूला भी चेंज होगा ना, हैश फंक्शन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो अभी एच डैश ऑफ की इज इक्वल्स टू की मॉड, अभी हम यम लिखते थे ना, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नई साइज रहेगी यम डैश, मतलब अभी नई साइज क्या है अभी अपने पास नई साइज है 7। तो देखो अभी हम क्या करेंगे 7 का एक टेबल बनाएंगे, हैश टेबल एक बनाएंगे 7 साइज का, देखो 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना, 7 साइज का एक हमने हैश टेबल बनाया। अभी हम ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे फिर, ठीक है, कीज क्या है अपने पास 6 7 8 ना, तो एच डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 मॉड यम डैश का है अभी 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। 6 को अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है, तो 6th पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा अपना ओरिजिनल 6 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम। अभी सेकंड एलिमेंट देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 को कैसे इंसर्ट करेंगे, एच डैश ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 मॉड 7, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे 7 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम, ठीक है, सॉरी 7 मॉड 7 रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, ठीक है, तो 0th पोजीशन पे, तो 0th पोजीशन पे हम क्या करेंगे वो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम 7। उसके बाद एच डैश ऑफ 8 क्या आएगा 8 मॉड 7 आंसर आएगा 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे 8 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। आए समझ में, रीहैशिंग में क्या रहता है, फिर अपने हैश फंक्शन भी चेंज हो जाता है, एच डैश ऑफ की क्या होगा की मॉड यम डैश की अपनी जो न्यू साइज रहेगी
वो अपना वैसे हैश फंक्शन होगा, एंड उसी हैश फंक्शन का यूज़ करके फिर से हम वो कीज़ क्या करेंगे अपने नए हैश टेबल में इंसर्ट करेंगे। आया समझो? देखो नियर अबाउट 70-80% अगर हैश टेबल फुल होता है तो हैश टेबल की साइज़ हम बढ़ाते हैं। हैश टेबल की साइज़ कैसे बढ़ाते हम? देखो यहाँ पे अभी ये लैम्डा, ये फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एन बाई एम, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन साइज ऑफ द हैश टेबल। अगर ये लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आता है तो अब क्या करेंगे हम, ये साइज ऑफ द हैश टेबल चेंज करेंगे, एंड साइज ऑफ द हैश टेबल क्या लेते हैं हम, ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है ना। प्रीवियस जो हैश टेबल की साइज रहेगी उसका मतलब रहता है एम, 2×3 6 है, एंड फिर 6 के नज़दीक वाला जो प्राइम नंबर रहेगा वो अपनी साइज रहेगी नए हैश टेबल की। तो नए हैश टेबल की साइज़ हमने 7 ले ली, ऐसे 7 का एक हैश टेबल बनाया हमने, एंड फिर से नया हैश फंक्शन होगा फिर, ठीक है। नए हैश फंक्शन का यूज़ करके फिर से हम ये कीज़ क्या करेंगे उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, रीहैशिंग कहते हैं। समझ में ना? रीहैशिंग से क्या होता है, अगर आपका डेटा कितना भी हो, डेटा आपने कितना भी बढ़ाया तो भी क्या होता है, वो डेटा पूरा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हैशिंग की साइज ऑफ द हैश टेबल हम कितने भी बढ़ा सकते हैं फिर, ठीक है। अगर डेटा यहाँ पे सब और 4-5 एलिमेंट आ गए फिर से ये फुल हो जाएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसकी साइज़ फिर डबल करेंगे, डबल के नियरेस्ट प्राइम नंबर लेंगे हमें से। तो ये रीहैशिंग से क्या होता है, सारे एलिमेंट हम हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक और एक कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सटेंडेबल हैशिंग। देखो एक्सटेंडेबल हैशिंग मतलब क्या, एक्सटेंड मतलब एक्सपांड करना इनडायरेक्ट। एक्सटेंडेबल हैशिंग मतलब क्या रहता है, अगर डेटा अपना स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइज का डेटा रहेगा अपना, स्मॉल डेटा रहेगा तो उसमें अभी तक जितने हैशिंग टेक्निक देखी वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा लार्ज डेटा है, ठीक है, लार्ज डेटा है सपोज, तो लार्ज डेटा में हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सटेंडेबल हैशिंग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अगर डेटा लार्ज है। तो ये टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं हम, तो ये टेक्निक देखो यहाँ पे डायरेक्टरी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, जो हैश टेबल रहता है ना उसको डायरेक्टरी कहते हैं। एंड इस अगर डेटा को इसमें इंसर्ट करना है तो पहले इसमें क्या करना पड़ता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सपोज अपना डेटा, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, इंसर्ट 1 4 5 7 8 सपोज ऐसा एक डेटा है समथिंग, ठीक है। तो ये डेटा अपने को इंसर्ट करना है हैश टेबल के अंदर, तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हम देखो 1 का बाइनरी नंबर क्या है, समझे 4 डिजिट में लिखते हैं, 1 का बाइनरी नंबर है 1, 4 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0100। देखो बाइनरी नंबर कैसे निकलना है, डेसिमल से 4, उसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 रिमाइंडर क्या बचता है 0, 2 1 2 रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे 0, उसके बाद 2 0 1, ठीक है ना, 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 यहाँ पे लिखेंगे हम, एंड रिमाइंडर बचेगा 1, तो ऐसे नीचे से ऊपर तक लिखेंगे हम, तो 100 ये क्या है, बाइनरी नंबर ऑफ 4। देखो इसमें अगर फिर से यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम, 2:0 2:1 2:2, समझ में ना, 0×2:0 0×2:1 1×2:2, तो इसका आंसर क्या मिलता है अपने को, 4 मिलता है। तो ऐसे ही अभी हम इसका 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0101 होगा, उसके बाद 7 का बाइनरी नंबर होगा 0111। देखो 7 का बाइनरी नंबर फिर से एक बार निकालो, 2 6 1, ठीक है ना, 111। एंड अभी अपने को 4 डिजिट चाहिए था तो इसके पहले हमने क्या किया, 0 लगा दिया बस, इसके पहले हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ये हुआ 7 का। एंड 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 111 नहीं, शायद 8 का बाइनरी नंबर होगा, देखो 8 का बाइनरी नंबर फिर से एक बार निकालते हैं, ठीक है, 8 का बाइनरी नंबर है 1000, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी नंबर आप निकाल सकते हो। अभी ये सब का बाइनरी नंबर निकाला, अभी ये हैश टेबल के अंदर रखना है, ठीक है, हैश टेबल के अंदर इनको रखना है। तो ये जो हैश टेबल के अंदर रखते हैं, यहाँ पे हैश टेबल को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी भी कहते हैं। अभी अपने पास ये बाइनरी फॉर्म है ना, तो बाइनरी फॉर्म मतलब हम पहले क्या करेंगे, हम 1 डिजिट का हम हैश टेबल 1 डिजिट का यहाँ पे बाइनरी नंबर लेंगे। तो 1 डिजिट का बाइनरी नंबर, अभी बाइनरी नंबर क्या अपने पास 0 और 1, तो इनका अगर हमने कॉम्बिनेशन किया, मतलब सिर्फ 1 डिजिट का ही चाहिए, तो दो ही कॉम्बिनेशन हो गए, एक तो 0 आएगा उसमें, नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन किया, एंड यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट का एड्रेस चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 1 किया हमने। तो अभी इसका मतलब क्या होता है,
ये डिरेक्टरी हो गई, देखो ये डिरेक्टरी हो गई, ये एक डिरेक्टरी है, नहीं तो इसको ऐसा हैश टेबल भी कहते, हैश टेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे हर एक इसके हर एक पोजीशन की एक बकेट रहती है, ऐसे हर एक पोजीशन के लिए एक बकेट रहती है, एंड उस बकेट की एक कैपेसिटी रहती है, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये बकेट है, ये बकेट है, एंड उस बकेट की एक कैपेसिटी रहती है, उसको क्या कहते हैं, हम ग्लोबल डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे ग्लोबल डेप्थ, ग्लोबल डेप्थ, उस नहीं तो उसको उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया रहता है कि कैपेसिटी ऑफ द बकेट कितनी लेनी की, नहीं तो हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कितनी कैपेसिटी चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ, कैपेसिटी ऑफ द बकेट 2 है, मतलब सिर्फ दो ही नंबर इसके अंदर आप, इस बकेट के अंदर आप रख सकते। अभी हम इस पहले वाले पोजिशन में हम क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो ये 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे इस बकेट में हम क्या रखने वाले, सारे नंबर्स जो जिसके जो स्टार्ट्स विद 0 है, जिसके जिसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 0 है, वो सारे नंबर्स यहाँ पर रखेंगे हम, तो एंड जो सारे नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट 1 है, वो सारे नंबर इस बकेट में रखेंगे। लेकिन बकेट की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 है, सिर्फ दो ही नंबर उसके अंदर हम रख सकते हैं। तो देखो सब ये पहला नंबर रखेंगे, ये स्टार्ट्स विद 0 है, तो वो इस बकेट में रखेंगे हम, देखो 0001। दूसरा नंबर क्या है, ये भी स्टार्ट्स विद 0 है, तो वो भी इसी बकेट में जाएगा, 0100। लेकिन तीसरा नंबर देखो यहाँ पे, ये भी स्टार्ट्स विद 0 है, तो यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रख सकते क्या हम, नहीं, क्योंकि इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, दो ही नंबर की है, तो ये 010, ठीक है ना। तो इस पोजिशन पर देखो यहाँ पे 0101 ऐसे लिख सकते हम, वी कैनॉट, देखो यहाँ पे वी कैनॉट इंसर्ट, we cannot insert 0101 because capacity of bucket is full। bucket की capacity क्या हो गई यहाँ पे, full हो गई capacity। तो यहाँ पे अभी अपने को direct, तो अपने को यहाँ पे क्या करना, bucket split करनी पड़ेगी यहाँ पे, directory double से बढ़ानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे directory क्या होती है, अभी 2 टाइम्स यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, 2 टाइम्स मतलब 2 डिजिट के हम एड्रेस लेंगे उसके अंदर, ठीक है। डायरेक्टरी अभी डबल हो जाएगी, डायरेक्टरी यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे हमने 1 डिजिट लिया था ना, यहाँ पे एक ही डिजिट का वैल्यू ली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2:1 मतलब क्या हो गए, 2 पोजिशंस आ गए यहाँ पे, 2 स्लॉट्स आ गए हैश टेबल में। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को डबल करेंगे, मतलब 2 स्लॉट लेंगे, 2 डिजिट का एड्रेस लेंगे हम, तो 2:2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पोजिशन आएगी। तो देखो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन लेने का अपने को 2 डिजिट, 2 बिट्स होने चाहिए, 2 बिट्स होने चाहिए, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, देखो देखो पहले 0 0 होगा, उसके बाद 0 1, उसके बाद क्या होगा 1 0, एंड उसके बाद 1 1, ठीक है। इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन करना है 2 बिट्स का, आए समझ। पहले यहाँ पे 1 बिट का था, अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, कैपेसिटी फुल हो गई, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, अभी डबल किया, अभी 2 बिट्स का हमने कॉम्बिनेशन लिया, एंड इसको डबल किया, मतलब यहाँ पे 2 स्लॉट थे, अभी यहाँ पे कितने स्लॉट हो गए, 4 स्लॉट हो गए। एंड यहाँ पर भी देखो हर बकेट की साइज कितनी, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी, यहाँ पर भी 2 ही नंबर हम उसमें रख सकते। चलो अभी नंबर फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं, देखो ये 000 नंबर है, अभी यहाँ पे देखो 00 है ना यहाँ पे ये पोजिशन, तो जो नंबर 00 से स्टार्ट होगा वो इसके बकेट में लिखेंगे हम। तो ये पहला नंबर रखेंगे हम यहाँ पे, देखो 0001 यहाँ पे रख दिया हमने, फिर से यहाँ पे अभी 00 से कौन स्टार्ट होता है क्या, और नहीं, कोई नहीं स्टार्ट होता। अभी दूसरा नंबर देखो 0100, देखो यहाँ पे 01 से स्टार्ट हो रहा है, तो 01 से जो स्टार्ट हो रहा है वो इसके बकेट में लिखेंगे हम। देखो ये नंबर किससे स्टार्ट होता है, 01 से, तो 0100, उसके बाद ये भी नंबर 01 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0101, एंड ये भी नंबर 01 से स्टार्ट होता है, तो मतलब ये वो भी नंबर यहाँ पे रखना चाहिए ना, लेकिन इसकी भी कैपेसिटी फुल हो गई, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी ये 01 नंबर, ये अगला नंबर जो है 0111 0111, तो ये नंबर हम इस पोजीशन पे नहीं रख सकते, क्योंकि साइज ऑफ द बकेट क्या हो गई, बकेट की साइज यहाँ पे फुल हो गई। तो फिर से अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी को, इस हैश टेबल को अपने को 2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 साइज थी, तो हम क्या करेंगे, 3 साइज करेंगे, एंड यहाँ पे 2 डिजिट था ना, यहाँ पे बिट्स 2 बिट्स थे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बिट्स लेंगे, ठीक है ना। 3 बिट्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2:3 मतलब यहाँ पे 8 स्लॉट्स आएंगे, तो देखो 8 स्लॉट्स बनाते हैं, मतलब 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन लेने का है 0 और 1 का, तो
तो पहले क्या कॉम्बिनेशन होता है, 0 0 0 हो सकता है, ठीक है ना, स्टार्ट्स विद 0 देखते हैं पहले, उसके बाद 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद क्या होगा 0 1 1, एंड उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट्स हो गए। अभी ये नंबर्स रखने के उसके अंदर, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, जो नंबर 000 से स्टार्ट होगा वो इसके बकेट में रखेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बकेट में वो नंबर रखेंगे हम। देखो अभी 000 से कौन स्टार्ट होता है, नंबर कितने अपने पास, देखो फिर से एक बार, देखो 000 से ये नंबर स्टार्ट होता है, तो वो नंबर हम यहाँ पे रखते हैं 000 1, ठीक है, 000 1 रखा हमने, सो मिनिमाइज करते हैं इसको। उसके बाद देखो अभी ये नंबर, अब 000 से और कौन सा नंबर स्टार्ट होता है क्या नहीं होता, अभी देखो ये नंबर किससे स्टार्ट होता है, अभी 3 डिजिट देखने के, पहले 3 बिट्स देखने के, तो यहाँ पे देखो 010 है, तो ये 010 से स्टार्ट होता है, तो अभी हम 010 के इसके बकेट में देखो यहाँ पे लिखेंगे 010 के बकेट में ये नंबर लिखेंगे हम 0100। उसके बाद 010 से कौन स्टार्ट होता है, ये भी एक नंबर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0101 लिखेंगे हम। अभी 010 से और कौन स्टार्ट होता है क्या नहीं होता स्टार्ट, ठीक, अभी यहाँ पे ये नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0111 से, ठीक है, 0111 से स्टार्ट होता है, 0111 नंबर है ना, तो 0111 मतलब इस बकेट में लिखेंगे हम, देखो इस बकेट में लिखेंगे हम 0111। एंड अगला नंबर क्या है, 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 मतलब इस पोजीशन पे लिखेंगे, इस बकेट में लिखेंगे हम 100 के 1000। आए समझ में, देखो अभी ये सारे नंबर हमने इंसर्ट किए, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर हमने इंसर्ट किए, एंड किसी भी जगह पे यहाँ पे देखो कि कोई भी बकेट क्या हो गई, फुल नहीं हुई, मतलब यहाँ पे सारे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 से ज़्यादा नंबर किसी भी बकेट में नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुकेंगे। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे डायरेक्टरी बनाई एंड वो सारे नंबर इंसर्ट किया। समझ में आया एक्सटेंडेबल हैशिंग क्या रहती कंसेप्ट। देखो डेटा को पहले क्या करना पड़ता है, आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे 1 बिट एड्रेस लेंगे, 1 बिट नंबर लेंगे यहाँ पे, तो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 1 बिट मतलब 2 ही होंगे, एक 0 एंड दूसरा क्या होगा 1 होगा, तो स्टार्टिंग विद 0 नंबर इस बकेट में रखेंगे, स्टार्टिंग विद 1 नंबर इस बकेट में रखेंगे, लेकिन बकेट की साइज़ कितनी है, 2 है, मतलब 2 ही नंबर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को डबल करेंगे हम, यहाँ पे 2 स्लॉट थे, यहाँ पे 4 स्लॉट लिए, एंड यहाँ पे 1 डिजिट 1 बिट था, यहाँ पे 2 2 बिट का एड्रेस लेंगे हम, 2 2 बिट का, ठीक है, 2 बिट का एड्रेस मतलब स्टार्टिंग विद 00 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्टिंग विद 01 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भी फिर से प्रॉब्लम होगा, देखो ये 2 नंबर रख लिए, लेकिन ये भी नंबर स्टार्टिंग विद 01 है, तो वो नंबर यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, डबल करेंगे, यहाँ पे 4 स्लॉट थे, अभी यहाँ पे हम 8 स्लॉट बनाएंगे हम, ठीक है, 3 बिट का एड्रेस लेंगे, एंड जो नंबर 000 से स्टार्ट होता है वो इस यहाँ पे रखेंगे, जो नंबर 001 से स्टार्ट होगा वो इसके बकेट में आएगा, जो नंबर 010 से स्टार्ट होता है वो इसके बकेट में आएगा, एंड यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कैपेसिटी से बाहर नहीं गए हम। आए समझ में, ये क्या था, एक्सटेंडेबल हैशिंग था, कोई भी नंबर पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करें एंड उसको ऐसे हम रख सकते। देखो एक लास्ट कंसेप्ट, एक अगली कंसेप्ट, स्किप लिस्ट। देखो स्किप लिस्ट कंसेप्ट किसके लिए रहते हैं, स्किप लिस्ट इज अ फेरी मतलब मोस्ट फास्ट सर्चिंग अल्गोरिदम रहता है, मतलब मोस्ट फास्ट सर्चिंग टेक्निक रहते हैं, मतलब हम फास्टली कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो अभी स्किप लिस्ट कैसे रहते, स्किप मतलब इसके नाम में है ना, एलिमेंट्स क्या करने अपने स्किप करेंगे, स्किप करके हम सर्च करते हैं उसको, तो इसका एक देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं स्किप लिस्ट की। सपोज अपने को 8 एलिमेंट इंसर्ट करने के, ठीक है, 8 एलिमेंट इंसर्ट करने के, तो यहाँ पे 8 पोजीशन लेता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऐसे ही पोजिशन सिर्फ लिख के लेंगे, यहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे। अभी यहाँ पे क्या रहता है, स्किप लिस्ट में हम यहाँ पे नोड बनाते हैं, उसका एड्रेस रखते हैं हम, ठीक है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक जगह चाहिए ऐसी जो एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या रखते हैं हम, 2 रेस्ट टू 0, ठीक है ना, 2 से हम जाते हैं ऊपर, 2 रेस्ट टू 0 2 रेस्ट टू 1 2 रेस्ट टू, तो 2 रेस्ट टू 0 पोजीशन का एड्रेस यहाँ पे रखेंगे हम, 2 रेस्ट टू 0 मतलब क्या, 1,
तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो 2:1 मतलब सेकंड नोड का एड्रेस यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद क्या है 2:2। देखो ऐसे कहाँ तक जाएंगे, अपने पास टोटल एलिमेंट कितने 8 है, 8 मतलब क्या रहता है 2:3, तो हम 2:3 तक जाएंगे इस, आए समझ में। अगर ज़्यादा एलिमेंट रहते तो 2:4 लेते, 2:5, ऐसे कितने जितने एलिमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पर एड्रेस लेंगे। अभी देखो 2:0 पोजिशन का एड्रेस हम यहाँ पर रखने वाले, 2:0 मतलब 1, मतलब पहले नोड का एड्रेस, पहले एलिमेंट का एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे। तो पहला नोड देखो यहाँ पे ए, तो इसको हमें ऐसे लिखते हैं, तो इसका एड्रेस हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे क्या रहेगा अपना डेटा रहेगा समथिंग, एंड ये आगे वाले का एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे। एंड स्किप लिस्ट में एक बात ध्यान में रखो, स्किप लिस्ट में डेटा क्या रहता है सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, एक तो असेंडिंग फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अभी ये यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2:1 मतलब सेकंड एलिमेंट का एड्रेस, मतलब सेकंड पोजिशन तो ये है ना, तो सेकंड का एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे। देखो सेकंड का एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। 2:2 मतलब फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस, तो यहाँ से देखो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है 1, 2, 3, 4, तो इसका एड्रेस रखेंगे यहाँ इस पोजिशन में। इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से समझ के लो, देखो यहाँ पे इसका एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2:3 मतलब 8, तो 8th पोजिशन कौन सी है ये, तो 8th पोजिशन का एड्रेस तो हम यहाँ पे रखेंगे। देखो देखो यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, आए समझ में कैसे किया हमने इस डायग्राम, सॉरी यहाँ पे देखो 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:0 मतलब 1, पहले एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे रखेंगे, 2:1 मतलब 2, सेकंड का एड्रेस यहाँ पे रखेंगे, 2:2 मतलब 4, फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे रखेंगे, 2:3 मतलब 8, 8 का एड्रेस हमने यहाँ पे रखा। अभी देखो ये सॉल्व करेंगे हम, अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सपोज नंबर रहता है, पहले आपने सपोज कोई भी एक नंबर रहेगा, ठीक है ऐसे, एंड उसके बाद ये पोजीशन किसके लिए जाता है एड्रेस के लिए, तो आगे वाले, तो ये पोजीशन क्या हो गई फिर से यहाँ पे 2:0 आ गए, ठीक है। एड्रेस स्टार्ट्स का होते कहाँ से होता है 2:0 से, तो 2:0 मतलब 1, तो पहले नोड का एड्रेस इसमें रहेगा, ठीक है ना, यहाँ इसके लिए पहली नोड कौन सी है ये 2:0 मतलब 1, ये तो ये पहली नोड हो गई इसके लिए। अभी देखो ये जो लाइन है ना, ये ऐसे हम डायग्राम को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ये इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे नहीं ले सकते। नहीं तो एक बात आप ध्यान में रख सकते हो, जिस नोड में सब एक एरो आता है तो उससे क्या होता है एक ही एरो बाहर जाएगा, तो वो एक ही एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इस एलिमेंट में दो एरो आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक एरो दो आ रहे, तो इसमें दो एड्रेस रहेंगे, तो यहाँ पे ये क्या है 2:0 मतलब 1, तो 1 मतलब क्या है पहले नोड का एड्रेस, तो यहाँ पे जो पहला नोड है उसका एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे हम। और यहाँ ये पोजीशन क्या है 2:1 मतलब क्या है दूसरा, तो इसके लिए दूसरा क्या हुआ 1, 2, तो ये हुआ, तो इसका एड्रेस हम यहाँ पे रखेंगे हम। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पर भी क्या है 2:0 मतलब 1, तो पहले नोड का एड्रेस यहाँ पे आएगा, इसको भी हम क्या करेंगे इसको इंटरसेक्ट नहीं होने देंगे, एंड इसमें एक ही एरो आ रहा था तो इससे एक ही एरो बाहर जाएगा, ठीक है, वो एक ही एड्रेस हम स्टोर कर सकते। अभी इसमें तीन एरो आ रहे, तो देखो यहाँ पे इसमें तीन एरो आ रहे, तो ये तीन एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा, तो पहला का है 2:0 मतलब 1, तो पहले नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेगा ये। उसके बाद क्या है ये 2:1 मतलब सेकंड का, तो ये इसके लिए सेकंड हुआ, तो इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। एंड 2:2 मतलब 4, मतलब इसके लिए देखो यहाँ से देखो काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, तो इसका एड्रेस स्टोर करेगा वो, आए समझ में। अभी देखो ये देखो 2:0 मतलब 1, ये पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अभी इसमें दो एरो आ रहे, तो ये दो एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो ये पहले पोजीशन पे क्या आएगा 2:0 मतलब 1, तो पहले नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2:1 मतलब 2, मतलब सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करेगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे क्या आएगा 2:0 मतलब 1, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। एंड समझ में ना, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम ऊपर नहीं ले सकते, तो ये यहाँ पे इसमें एक ही एड्रेस स्टोर होगा। एंड इसमें देखो इसमें चार एरो आ रहे हैं, तो ये चार लोगों का एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नल लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा नल आएगा, मतलब आगे कुछ भी एलिमेंट नहीं है, समझ में आया। देखो ये क्या हो गई अपनी लेवल 1 हो गई, लेवल 1, उसके बाद ये क्या है अपनी यहाँ पे ये क्या हो गई लेवल 2, ये क्या है अपनी लेवल 3, ये क्या है लेवल 4। देखो ऐसे रहते हैं ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो इसमें क्या देखो डेटा क्या रहता है असेंडिंग फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे सपोज 5 है, तो यहाँ पे सपोज हम 7 रखते हैं, यहाँ पे 9 रखते हैं, यहाँ पे सपोज 15 रखते हैं, यहाँ पे सपोज 21, यहाँ पे सपोज 41, यहाँ पे 55 और यहाँ पे सपोज 92, ऐसे कुछ तो डेटा रखते। जो भी डेटा है वो क्या रखा हमने असेंडिंग फॉर्म में चाहिए रहता है स्किप लिस्ट में।
अभी स्किप लिस्ट का मतलब क्या रहता है, सपोज डेटा जब सर्चिंग फास्टेस्ट सर्चिंग क्यों कहा है इसको, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ऊपर के लेवल से स्टार्ट होता है सर्चिंग। सपोज अपने को यहाँ पे 92 सर्च करना है 92, तो डायरेक्टली इस लेवल में जाएंगे हम, पहले इस लेवल से यहाँ से स्टार्ट होंगे तो लेवल नंबर 4 से, तो यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पहले यहाँ पे जाएंगे, इन सबको हम स्किप करेंगे। पहले जो भी एलिमेंट अपने को चेक करना है, सर्च करना है, वो इसके साथ कंपेयर किया जाएगा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आएंगे इस नोड में। तो यहाँ पे 92 के साथ कंपेयर किया, वो है कहीं इक्वल इक्वल है, तो ये अपने को यहाँ पे मिल गया। अगर अगर सपोज दूसरा कौन सा एलिमेंट हम सर्च करें, सपोज 41 सर्च करें, तो पहले डायरेक्टली हम लेवल 4 से यहाँ पे आएंगे तो 92 के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर ये क्या है इक्वल टू एक नहीं है, लेकिन ये इससे स्मॉल है, तो इसके सेकंड लेवल में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पे यहाँ पे आएंगे तो ये 15 है, तो 15 इक्वल टू 41 है क्या नहीं है, तो लेकिन ये जो 41 नंबर है वो क्या है, बड़ा है, देखो 15 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस लेवल में आ जाएंगे, ठीक है ना, उसी लेवल नंबर 3 में सिर्फ इस पोजीशन पे आएंगे हम, एंड फिर से 92 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर से स्मॉल नंबर है तो हम ये नीचे के लेवल में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 15 के आगे ही रहेंगे एंड इसके नीचे रहेंगे यहाँ पे, तो हम फिर से इस लेवल में आ जाएंगे लेवल नंबर 2 में, एंड इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो ये 41 मिला, तो अपने को हम, तो ऐसे क्या होता है फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक रहती है, इससे स्किप किया जाता है, देखो यहाँ पे इसे, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे सपोज पहले हमने क्या किया, डायरेक्टली हम एक्सप्रेसली यहाँ पे गए, ठीक है, तो इन सब को स्किप किया हमने, उसके बाद क्या करें, इस यहाँ पे नहीं है वो एलिमेंट तो यहाँ पे आएंगे लेवल नंबर 3 में, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे गए, इन सब को स्किप किया, अगर यहाँ पे ये नहीं है वो नंबर ग्रेटर है तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये लेवल ये इस जगह पे देखेंगे हम, तो ऐसे क्या होता है स्किप लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, फास्ट सर्च कर सकते हैं। एंड इसके देखो अभी एंड देखो ये जो लेवल 1 है, लेवल 1 में कितने एलिमेंट है, लेवल 1 में सारे एलिमेंट है, देखो 8 एलिमेंट है, देखो ये सारे एलिमेंट कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, तो ये लेवल 1 में 8 एलिमेंट रहते हैं, मतलब सारे एलिमेंट लेवल 1 में रहते हैं। लेवल 2 में क्या रहते हैं, इसके हाफ एलिमेंट रहते हैं, सपोज यहाँ पे 8 एलिमेंट है तो इसके हाफ मतलब कितने, 4 एलिमेंट है, देखो ये लेवल नंबर 2 यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे चौथा, मतलब इस लेवल में 4 एलिमेंट है, इसके हाफ लेवल 1 के हाफ एलिमेंट यहाँ पे रहते। अभी उसके ऊपर के लेवल में क्या रहेंगे, इसके हाफ एलिमेंट, मतलब यहाँ पे इस लेवल में 4 एलिमेंट है तो इसके 4 का हाफ क्या हुआ, 2 हुआ, तो इस लेवल लेवल नंबर 3 में सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे। देखो यहाँ पे ये लेवल नंबर 3 में एक एलिमेंट है पहला, एंड दूसरा एलिमेंट, एंड उसके ऊपर के लेवल में कितने एलिमेंट रहेंगे, देखो यहाँ पे इसके हाफ मतलब 2 के हाफ क्या हुआ, 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, हाफ हाफ होते जाते, तो अपने को ये फाइंड आउट करना, सर्चिंग करना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम इसको स्किप करते रहते। उसके बाद इसके देखो एक मैक्सिमम लेवल क्या रहते, मैक्सिमम लेवल कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम लेवल तो क्या रहते हैं, log of n to the base 2 plus 1, तो ये रहती है उसकी लेवल, आए समझ में, log टू n मतलब सब यहाँ पे 8 एलिमेंट्स, n मतलब क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे log टू 8 मतलब 3 आता है, तो यहाँ पर 3 plus 1 4, तो यहाँ पे लेवल कितने आ गई, 4 लेवल आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, फेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आए समझ में, स्किप लिस्ट क्या रहता है, इट इज़ अ रियली वेरी फास्ट सर्चिंग टेक्निक।